If you are being asked about the advantages of regional anesthesia, don't start with the disadvantages of general anesthesia. ठीक है, regional anesthesia में आप ये कहें कि patient को पॉलीफार्मेसी से आप बचा लेंगे. चले पहला ये एक जुमला बोल दें, ये कोई बुराई में उसमें जिए की बुराई में नहीं है, पॉलीफार्मेसी से आप बचा लेंगे. लेस चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, लेस चांसेस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ओके, और लेस हीमोडायनेमिक स्ट्रेस. लेस हीमोडायनेमिक स्ट्रेस, मैं कंट्रोल नहीं कह रहा, कंट्रोल इज बेटर इन जनरल एनेस्थीसिया. हीमोडायनेमिक स्ट्रेस कम होता है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन हीमोडायनेमिक स्ट्रेस एंड हीमोडायनेमिक कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल रीजनल में रिलेटिवली कंट्रोल कम होता है एज कम्पेयर टू जीए. ठीक है, जीए में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आप कुछ ना कुछ दवाइयां दे देंगे. रीजनल में आपने उसको लगाया है मिसाल के तौर पे फेमरल नर्व ब्लॉक और शियाटिव नर्व ब्लॉक, और अब उसको एंजाइटी हो रही है और आप यू आर अनेबल टू कंट्रोल. आपने उसको उसको सिडेशन दिया और पता लगा उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, फिर आप क्या करें? ठीक है, या उसका एयरवे, सॉरी, ब्लड प्रेशर फॉल कर, मुंह से फॉल निकल गया, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपने एनेस्थीसिया बढ़ाई है तो उसका एयरवे कोलैप्स हो गया, फिर आप क्या करेंगे? तो ये बेसिक रूल और जहन में रखें. और दूसरी बात ये कि आप क्लासिफाई, आपको पता है बहुत अच्छी अच्छी किताबों में ना पहला जुमला लिखा हुआ है क्लासिफाई और डाई. ठीक है, तो आप क्लासिफाई कर लें, आप सर्जरी रिलेटेड एडवांटेजेस देख लें, क्या नाम है उसका, पेशेंट रिलेटेड एडवांटेजेस देख लें और एनेस्थीसिया रिलेटेड एडवांटेजेस देख लें, तो आप खुद बखुद कर लेंगे. यू आर नॉट डम. प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने आप को किताबों से बाहर देखें, मेरा मैसेज बहुत सिंपल है. इफ यू विल बी थिंकिंग ओनली और ट्राइंग टू सर्च द आंसर फ्रॉम पेज नंबर एक्स वाई जेड ऑफ ब्लडी मनहूस मॉर्गन शरीफ, देन यू विल नेवर सक्सीड, आई गारंटी यू. आप किताबों में नॉलेज होती है, डिस्पर्स होती है. तो अगर आप किताब का सफर नंबर 75 याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, कभी भी आप आंसर सही नहीं दे सकती. ये आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लें तो आपकी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा, तो आज मेरा इरादा है पोजीशनिंग रिलेटेड. तो देखें, बिफोर सम मोर पीपल ज्वाइन, तो पोजीशनिंग रिलेटेड कंसर्न उस तमाम कंसर्न के अंदर एक हिस्सा है कि जो हम लोगों ने कई दफा डिस्कस भी किए हैं, दैट इज एनेस्थीसिया प्लानिंग. और मैं इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ कि जिस बंदे को एनेस्थीसिया प्लानिंग आती है उसके लिए एनेस्थीसिया देना कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, और हमारे टाइम टेस्टेड जो हमें जो फर्स्ट ईयर में रेजिडेंट बेचारा शुरू होता है, बजाय इसके ये कि उसको एनेस्थीसिया की प्लानिंग के बारे में बताया जाए, उसको कहा जाता है कि जी पहले तुम तो फार्मा पढ़ो, पहले तुम तो मशीन पढ़ो, पहले तुम तो फिजियोलॉजी पढ़ो. और वो बेचारा इस हद तक उसके अंदर डूब जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको पढ़ाई से नफरत हो जाती है. वो कहता है यार समझ तो कुछ आता नहीं. फिर उसको ये पक्का किया जाता है कि भाई पहली रीडिंग में कुछ नहीं समझ आता, आप उसकी पहली रीडिंग करते हैं, फिर दूसरी रीडिंग करते हैं, और फिर 75वीं रीडिंग करते हैं, समझ फिर भी कुछ नहीं आता. तो अगर पहले दिन से मेरा मैसेज है, जो भी ये सुन रहा है, प्लीज लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों को उस रास्ते पे चलाने की कोशिश ना करें कि जो जिसका आपको खुद भी नहीं पता. ठीक है, जिसका आपको खुद भी नहीं पता कि वो क्या रास्ता है खाली कार्रवाई डालने के लिए. हाँ भाई, आप पहले फिजियोलॉजी पढ़ो. भाई फिजियोलॉजी वो क्या बच्चा है? वो अभी पैदा होके आया है. क्या उसने कभी जिंदगी में फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी? क्या उसने जिंदगी में कभी फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी? उसको क्लिनिकल इंटेग्रेशन के साथ फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी, क्या उसने फिजियोलॉजी का वो एफसीपीएस करने आया है, या फार्माकोलॉजी का एफसीपीएस करने आया है, या वो बायोमेडिकल टेक्नीशियन बनने आया है कि उसको आप मशीन पढ़ाने पर लगा रहे हैं? नो, एवरीथिंग शुड बी क्लिनिकली कोरिलेटेड, अदरवाइज इट इज यूजलेस. तो बेस्ट तरीका ये है कि आप एनेस्थीसिया को प्लान करना सिखाएं. उसको प्लान करने के लिए सबसे पहले गो बैक टू सिंपल क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग. आपने पेशेंट को देख के उसमें से हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसके बाद एग्जामिनेशन से कैसे फाइंडिंग्स लेनी है, उसके बाद आपने एक क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बेस पे आपने इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी है, इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपने इन तीनों चीजों को कोरिलेट करके आपने रिस्क फैक्टर्स कैसे स्ट्रेटिफाई करने हैं, आपने रिस्क फैक्टर्स स्ट्रेटिफाई करके आपने उस हिसाब से उन रिस्क फैक्टर्स को मैनेज कैसे करना है. हो सकता है उन रिस्क फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत हो सकता है उन रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपको एनेस्थीसिया को मॉडिफाई करने की जरूरत हो. इट कैन बी अदर वे अराउंड, दोनों साइडों पे हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. ठीक है, उसके बाद आप उस हिसाब से अगला स्टेप में आ जाए कि भाई आपने एक प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन की क्या जरूरत है. प्री ऑपरेटिव किसी रेफरल की जरूरत तो नहीं है, किसी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ आपने रिस्क वर्सेज बेनिफिट को डिसाइड करने की जरूरत तो नहीं है.
उसके लिए प्री ऑपरेटिव कोई लॉजिस्टिक्स को अरेंज करने की जरूरत तो नहीं है। जैसे अगर ओबीस पेशेंट है तो बड़ी टेबल, डिफिकल्ट मॉनिटरिंग, डिफिकल्ट आईवी लाइन, डिफिकल्ट ट्रांसफर, एवरीथिंग लाइक दैट। तो आप हर चीज को आप प्लान करेंगे, ठीक है। फिर आपको अगर कोई एंजोलिसिस देना है, या आपने उसको एसिड प्रोफाइल एक्सिस देना है, या आपने उसको प्रीएम्प्टिव एनाल्जीजिया देना है, या आपने कोई उसका थ्रोम्बो कोई ब्लीडिंग वाली जो मेडिसिन है, एंटी कोगुलेंट्स या एंटी प्लेटलेट्स को ऑप्टिमाइज करना है, आपने उसकी ब्लड शुगर को ऑप्टिमाइज करना है, आपने कोई भी जो चीज करनी है वो सारी चीजें उसकी प्लानिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्ट ऑपरेटिवली उसको कहाँ भेजना है ये उसकी प्लानिंग में आएगा। आपने उसको क्या उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कोई स्पेसिफिक कंसर्न तो नहीं है, उसको आईसीयू की जरूरत तो नहीं है, उसको एचडीयू की जरूरत तो नहीं है, उसको पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन की जरूरत तो नहीं है, उसकी कोई पोस्ट ऑपरेटिव स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकते, लाइक थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। उसी में ही आप फिर प्लान करते हैं स्टेप्स ऑफ एनेस्थीजिया। स्टेप्स ऑफ एनेस्थीजिया के आपका इंडक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, रिकवरी होती है, उसके बाद इंडक्शन या इनहेलेशनल होगी या आईवी होगी। एयरवे की मैनेजमेंट का क्या प्लान होगा, ये सारी चीजें आप प्लान कर रहे हैं पहले। अभी आप पेशेंट सिर्फ देख रहे हैं और आपकी आंखें देख के और बातें भी कर रहे हैं, आपके आपके दिमाग में ये प्लान होना चाहिए कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। दैट इज दैट शुड बी योर एम। तो उसी उन्हीं तमाम चीजों में वो आपने रिस्क फैक्टर्स जो चॉक आउट करने, वो कार्डिक रिस्क फैक्टर्स हैं, वो रीनल रिस्क फैक्टर्स हैं, वो रेस्पिरेटरी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो पोजीशनिंग रिलेटेड, उन्हीं के अंदर पोजीशनिंग का भी मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। उसमें आपने पीओएनवी के रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके अंदर एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर्स हैं। यू थिंक अबाउट इट, आपके दिमाग में तो यही बात होती है ना। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि आपस में आप लोग हम लोग कोरिलेट नहीं करते। जब कोरिलेट नहीं करते तो फंस जाते हैं, फिर हम किताब का सफा नंबर 75 याद करने की कोशिश करते हैं, वहां पर तो कुछ लिखा नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये तो क्या पता नहीं, ये तो पता नहीं आप कौन सी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जीशांत। फिर अगला सवाल आता है कि सर ये कहां से पढ़ना है, मैं अपना सर दीवार पर टक्कर मारने को दिल करता है, ये किताबों में नहीं लिखी ये चीजें, ये आपकी आप पता है यही फर्क होता है ओ लेवल्स की पढ़ाई में और मैट्रिक एफएससी की पढ़ाई में, कि वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बनाता है, वो आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्लान करनी होती हैं। आप तो उसके बाद आपका इंडक्शन का प्लान हो गया, मेंटेनेंस का प्लान हो गया, एयरवे मैनेजमेंट का प्लान हो गया, स्पेसिफिक कोई मॉनिटरिंग तो नहीं करनी स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 के अलावा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको इंडक्शन का कौन सा एजेंट यूज करना है, कौन सा एजेंट नहीं यूज करना, ठीक है। आपने इनहेलेशनल कौन सा एजेंट यूज करना है, कौन सा एजेंट नहीं यूज करना, आपने मसल रिलैक्सेंट में डीपोलराइजिंग यूज करना है या नहीं करना, आपको क्या रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन तो नहीं करनी, आपको मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन तो नहीं करनी, आपको उसके अंदर क्या कुछ करना है, आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट करने के लिए क्या करना है, आपने उसमें फेंटेनिल देना है या बीटा ब्लॉकर देना है या लिग्नोटकेन देना है, या आपने कोई स्पेसिफिक लेरिंगोस्कोप यूज करना है, फाइबर ऑप्टिक करनी है, ये सारी चीजें पहले आपने ये जब मरीज जब देख रहे हैं उस वक्त होता है। लोग इसको इंट्राऑपरेटिव बताने की कोशिश करते हैं, नहीं ये इंट्राऑपरेटिव नहीं है, ये सारी चीजें आपने प्री ऑपरेटिवली बतानी है। क्या आप थिएटर के अंदर मरीज को लेके जाके फिर कहेंगे कि हाँ भाई इसको अवेक फाइबर ऑप्टिक करनी है, नहीं, आप उसको पहले से उसकी काउंसलिंग करेंगे, उससे कंसेंट लेंगे। आप उसने रीजनल एनेस्थीसिया लगाना है तो वहां जाके आप उसको बताएंगे हाँ भाई सीधे होकर बैठ जाओ मैं तुम्हें कमर में इंजेक्शन ठोकने लगाऊ, नहीं ऐसे नहीं करेंगे आप। आप उसको पहले बताएंगे कि भाई ये प्रोसीजर होगा, ये तुम्हारा उसके फायदे हैं, ये उसके फायदे हैं, ये नुकसान है, ठीक है। तो मैं तमाम ये कहानी सुना के मैं आपको पोजीशनिंग रिलेटेड की तरफ लेकर आ रहा हूँ। तो कोई भी ऑपरेशन जब होता है तो आपके दिमाग के अंदर जो बाकी सारी चीजें चल रही होती हैं उनके, अच्छा ये जो इन्हीं चीजों में एक फ्लूइड भी आ जाता है, उसके अंदर ब्लीडिंग की रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है, उसके अंदर जो आपका एनल्जीजिया आ जाता है, मल्टी मॉडल एनल्जीजिया। इसमें क्योंकि इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, ये अदर हम लोगों ने पूरा डिटेल से कुछ 6-7 सेशंस में रिकॉर्ड किया है ये एनेस्थीजिया प्लानिंग और प्री ऑपरेटिव एवेल्यूशन। तो प्लीज जिसने नहीं सुना वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उसमें सुन लें, वो ये जहाँ पे वीडियो सारी अपलोड है चैनल पे, ये वहां पर ये भी मौजूद है, तो आप लोग जरूर सुन लें, क्योंकि ये मैंने एक एक चीज तोते की तरह हम लोगों ने रट्टा मारने की कोशिश की है, एक एक रिस्क फैक्टर, एक एक चीज को कैसे इंटरप्रेट करना है। यानी कि आपको अल्टीमेटली आपको ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा जी एको करवानी है, एको क्या करवानी है, एको से क्या फायदा होगा, एको से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, एको देख के आप क्या उसकी हार्ट की शक्ल देख के आपने अचार बनाना है उसका, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि एको करवा रहे हैं तो उससे आप क्या मैसेजेस लेना चाह रहे हैं और उन मैसेजेस से आपकी मैनेजमेंट पे कोई फर्क होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसकी ये होता है उसका। तो अच्छा आप आ जाए पोजिशनिंग रिलेटेड, तो पोजीशन रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पोजीशन, कोई स्पेसिफिक पोजीशन की आपको जरूरत क्यों पड़ती है, पोजीशन की रिलेटेड आपको पड़ती है कि कोई सर्जिकल जो उसका प्रोसीजर है उसके जो एक्सेस है वो उसके अंदर उसके लिए जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है, दूसरी चीज ये होती है उसके अंदर
कि आप कोई पोजीशनिंग कई दफा किसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एरिया को एलिवेट कर रहे हैं किसी भी, चाहे वो ट्रेंडलन बग पोजीशन हो, चाहे वो रिवर्स ट्रेंडलन बग पोजीशन हो। रिवर्स ट्रेंडलन बग पोजीशन का मतलब है कि आपने हेड साइड को ऊपर किया और फुट साइड नीचे की तरफ स्लांटिंग जा रहा है, तो वो आपकी रिवर्स ट्रेंडलन बग है। ट्रेंडलन बग पोजीशन है कि जिसमें आपका फुट साइड ऊपर है और हेड साइड ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये है। तो हो सकता है कि आप किसी थेरेप्यूटिक मैन्यूवर के लिए करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गई है, तो आप कुछ करें ना करें, आप फौरी तौर पे अगर उसका फुट साइड ऊपर कर देंगे ना, तो उससे उसको थोड़ी सी आउटर ट्रांसफ्यूजन होगी और उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड सेम इज ट्रू फॉर वेजोवेगल। अगर किसी पेशेंट को वेजोवेगल होता है तो उसमें भी हम फुट साइड को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका पर्पज है। इसी तरीके से आप कोई हेड एंड नेक की सर्जरी कर रहे हैं, तो दैट इज थेरेप्यूटिक कि आप उसका हेड साइड एलिवेट कर दें, ताकि उसकी, क्योंकि ये सारी इसमें कोई वेल्व नहीं होते, इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, ये ग्रेविटी रिलेटेड होता है। आप उसका हेड साइड जब ऊपर कर देंगे तो उसकी एंगेजमेंट कम हो जाएगी, उसकी टूबिनस, उसका जो है ना, उसकी ब्लीडिंग ओजिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ उसके थेरेप्यूटिक रीजंस होते हैं। फिर उसके बाद कुछ उसके होते हैं कि जिसमें आप बेसिकली का, जैसे मिसाल के तौर पे आपने हेड साइड को थोड़ा सा रेज किया, आपने रैम पोजीशन बनाई, तो उसका मकसद आपका क्या होता है कि आपकी एफआरसी इंप्रूव कर जाए, एफआरसी इंप्रूव कर जाए, प्लस आपका व्यू बेहतर हो जाए, ठीक है। आपके जो तीनों एंगल्स होते हैं लेरिंगोस्कोपी के लिए, ओरल एंगल, फ्रेंजल एंगल और लेरिंजल एंगल, आप उनको अलाइन करने में आसानी हो जाती है। फिर आप एट द सेम टाइम रैम पोजीशन, रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन, विच इज यूज फॉर ओबीस पेशेंट, विच इज यूज फॉर डिफिकल्ट एयरवे। एंड एक्चुअली आई वुड सजेस्ट अ जूनियर पर्सन, ये रिकमेंडेड नहीं है कि लिखा नहीं होगा, लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, मगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपनी हैबिट बना लेंगे रैम पोजीशन में, या जिस हद तक आप हेड साइड को थोड़ा सा एलिवेट करके आप करें, और अपने हेड, अपने बैली को आप हेड को फिक्स करने के लिए करें। मोटे पेट का और कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मोटे पेट का ये फायदा जरूर होता है कि उससे आप हेड को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज और यही है इसका, एक मेरे ख्याल है एनेस्थेटिस्ट को मोटे पेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो हेड को अपने फिक्स कर सकता है उससे, ठीक है। तो ये आप अपनी हैबिट बनाइए। तो पोजीशनिंग से आप अपने एनेस्थीजिया की उसको भी आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो चाहे आपकी आईवी लाइन से रिलेटेड हो, आपने सीवीपी डालनी है, आप उसको टंडलन बग कर रहे हैं ताकि वीनस एंगेजमेंट हो जाए और आपको सीवीपी डालने में आसानी हो जाए, आप कोई ब्लॉक लगा रहे हैं, आप उसको बिठा रहे हैं, बिठा के आप उसको ब्लॉक लगा रहे हैं, या आप उसको लैटरल कर रहे हैं, यानी कि फैसिलिटेशन ऑफ एनेस्थीजिया, फैसिलिटेशन ऑफ सर्जरी, एनी थेरेप्यूटिक। तो ये पहले तो आपके दिमाग में ये आ गया। फिर अगले स्टेप में ये कि कोई एक बंदा बताइए हसाम, आप बताओ, शाबाश हसाम से क्वेश्चन है कि डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशनिंग व्हिच मे बी आस्क्ड ड्यूरिंग द एनेस्थीजिया। जी हसाम सर, डिफरेंट पोजीशंस में ये ट्रेंडलनबर्ग सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, और सर लैटरल, वेरी गुड, डिक्यूबिटस और लैटरल, वेरी गुड। एक चीज और रह गई है, एक दो चीजें और रह गई हैं सर, ये बेंच चेयर या ये, वेरी गुड, बीच बेंच चेयर, बीच चेयर कहते हैं उसको, बेंच चेयर नहीं होता, बीच चेयर होता है, ठीक है, बीच चेयर सर, बीच चेयर पोजीशन। एक और है कि इनका कॉम्बिनेशन लिथोटमी पोजीशन विद ट्रेंडलनबर्ग करते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक, जी अच्छा, उसके बाद जो रीनल सर्जरी होती है उसके अंदर थोड़ा सा करते हैं ना, वो ब्रेक करते हैं टेबल को, और जो वो एरिया होता है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, तो उसके अंदर बेंडेड पोजीशन हो जाती है कि हेड साइड भी डाउन होता है, फुट साइड भी डाउन होता है, और ट्रंक थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। ये कुछ स्पेसिफिक उसके मैनुअर्स होंगे। फिर उसके बाद जो आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर भी जो पोजीशन होती है वो एक्चुअली किसी पोजीशन में फिट नहीं होती, इसमें थोड़ा सा लैटरल भी होता है, थोड़ा सा हेड साइड अप भी होता है, ट्विस्टेड भी पोजीशन होती है, वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हर सर्जरी, जब आपको कोई सर्जन कहे कि मैंने ये सर्जरी करना है, तो आपके दिमाग में फौरन ये आ जाना चाहिए, या आप सर्जन से बात कर सकते हैं कि भाई आपने कौन सी पोजीशन में ये ऑपरेशन करना है, क्योंकि आपकी फर्दर एनेस्थीजिया की मैनेजमेंट उससे रिलेटेड होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज होती है, सिर्फ पेशेंट को स्लाइड डाउन करना टेबल पे, पेशेंट को ऊपर से लेके नीचे लेके जाना, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, मगर दैट इज अ प्रॉब्लम। आप पेशेंट को जब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे या ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, तो आपकी और कुछ नहीं, तो आपकी ट्यूब डिसलॉज हो सकती है, आपका जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आप नेक को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली पुल डाउन इज नॉट दैट मच डेंजरस, पुल डाउन में ज्यादा से ज्यादा ट्यूब निकल जाएगी,
लेकिन पुश करना खतरनाक होता है, क्योंकि पुश करते हैं जो स्पाइन जो है ना वो ऊपर उसका वजन आके एंड पे आके गर्दन पे आता है, और जो एटलांटो एक्सियल और एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है वहां पर तबाही मच सकती है। तो ये जहन में रखें बात कि पेशेंट को की गर्दन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इसी में ही मैं आपको अभी बताऊंगा कि पोजीशन जब चेंज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला आ गया उसकी डेवलपमेंट। तो पोजीशन एक फाइनल पोजीशन होती है और एक उसकी इनिशियल पोजीशन होती है। जो कन्वर्शन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रिवर्स करना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम होती है वो करते वक्त या वापस करते वक्त होती है। वो उन्हीं में से मैंने आपको एक चीज बता दी, तो उसके अंदर एक जहन में रखें बात। फिर वही बात है कि किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि जब आपने उसकी नेक को या हेड को फिक्स करना है तो आपने हेड को इस तरीके से फिक्स करना है कि आपका हाथ जो है वो, लोगों को फिक्र होती है ट्यूब की, लोगों को गर्दन की फिक्र नहीं होती, वो उसके ट्यूब को पकड़ रहे होते हैं या उसको हेड को, बहुत अच्छे अगर एनेस्थेटिस्ट होगा तो वो उसके सर को पकड़ लेगा। भाई सर को पकड़ना नहीं है प्रॉब्लम, दरमियान में लीवर बना हुआ है, जरा इमेजिन कीजिए आपने उसके सर को पकड़ लिया है, आपने उसकी नेक को सपोर्ट नहीं किया, तो वो तो पता लगेगा, वो तो और ज्यादा डेंजरस हो गया, और कुछ नहीं शायद वैसे हेड बच भी जाए। अगर आपने उसका हेड को पकड़ा हुआ है और नेक को आपने जो ज्वाइंट है उसके ऊपर हाथ आपने नहीं क्रॉस करके रखा हुआ ताकि वो जगह फिक्स हो जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो आपने अपने हाथ को, लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके हाथ इतने बड़े नहीं होते, उनको ये चीज करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपने ऊपर कोई, आप दूसरे से हेल्प ले लें, ट्यूब को कहीं नहीं जाएगी, आप ट्यूब को आपको अगर पकड़ के रखनी है तो फिर तो आपका इसका मतलब है आपकी फिक्सेशन ही नहीं ठीक है। आप बेहतर है कि आप उसको प्री ऑक्सीजनेट, दोबारा से प्री ऑक्सीजनेट इन द सेंस कर लें कि अगर आपने पोजीशनिंग से पहले आपने उसको नाइट्रस खोली हुई है या आपने 50% आपने एयर दे रहे हैं या कुछ ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप 100% ऑक्सीजन दे दें उसको और पोजीशन करते हुए सर्किट को डिस्कनेक्ट करें। दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड डिसलॉजमेंट, कि आप ट्यूब को अच्छी तरीके से फिक्स करें और सर्किट को डिसलॉज कर लें उस टाइम पे, बजाय इसके ये कि अच्छा जी ऑक्सीजन इतनी देर में, चंद सेकंड्स में पोजीशन बन जानी है तो चंद सेकंड में हाइपोक्सी हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उस टाइम पे कोई भी चीजें खींचे ना, उसके अंदर ये आपका सिर्फ ट्यूब का सर्किट नहीं आएगा, उसके अंदर आपकी सारी लाइन्स आएंगी, उसके अंदर सारी आपकी मॉनिटरिंग की लीड्स आएंगी। आर्टेरियल लाइन डाली है, पता लगा जी इतनी मेहनत से आर्टेरियल लाइन को 10 प्रिक्स में डली है, CVP डली है, IV लाइन डली है, वो आपने पता लगा पोजीशनिंग के दरमियान में निकाल दी, ठीक है। और एक और आपको मैं क्लेम करता हूँ कि कोई एनेस्थेटिस्ट बनता ही नहीं है एनेस्थेटिस्ट जब तक वो ये फेस ना करे। मैंने खुद CVP निकलवाई हुई है और बेइज्जती करवाई हुई, तब मुझे पता लगा कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी खतरनाक चीज है, इसलिए फिक्सेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन पासिंग। तो ये जेहन में रखें। और ये जो मैं आपको नेक वाली बात है, मैं बहुत स्ट्रेस करके आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने नेक के अंदर से हाथ को इस तरह से गुजारना है कि आपका हेड और नेक के दरमियान में कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। और अगर आप लड़कियां हैं, हाथ छोटा है, तो भी वो कोशिश करें कि वो नेक की तरफ ले जाएं हाथ और दूसरे हाथ से हेल्प ले लें, क्योंकि जब आप नेक की तरफ हाथ ले जाएंगे तो आपका जो कलाई है और आपका जो बाजू है वो भी हेड को सपोर्ट कर देगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आपका हाथ सिर्फ सर तक है तो आप तबाही मचा सकते हैं, ठीक है। जब फिक्स करना है तो आपने अपने हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लेके जाना है ताकि जब वो ट्विस्ट वापस आए, जब ट्विस्ट आप करें तो आपका हाथ किसी भी एक लम्हे के लिए गर्दन की अलाइनमेंट को ना टेढ़ा करे, वो टेढ़ी ना हो जाए, ट्विस्ट ना हो जाए, हेड या नेक अपनी ट्विस्ट ना हो जाए अराउंड इटसेल्फ। तो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जहन में रखें। उसके बाद कन्वर्शन टू डिफरेंट पोजिशनिंग में सबसे जो खतरनाक पोजिशनिंग होती है ना, वो प्रोन पोजिशन होती है। प्रोन पोजीशन के अंदर सबसे ज्यादा जॉइंट्स की डिसलोकेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स और सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये सारी चीजें जो हैं, ये मैं हेड एंड नेक के ऊपर ज्यादा फोकस करके बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सारे जॉइंट्स, जैसे लिथोटमी पोजीशन है, जब उसको उसको बनाना है तो सबसे पहले आप सुपाइन पोजीशन से खींच के उसको नीचे लेके जाएंगे, फिर वो उस जगह तक, वो पोल तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद उसको एलिवेट करेंगे। तो अक्सर अवकात आप देख रहे होंगे कि वो नॉन सीरियस, नॉन कैजुअल एटीट्यूड होता है, वो पता लग रहा है एक पाँव उसका पाँव, एक पाँव अलग से उठा रहे होते हैं, तो एक साथ आपने लेग्स को एलिवेट करना है, क्योंकि अगर एक साथ आप नहीं करेंगे तो आपकी वो डिसलोकेट होने का खतरा होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि जिस पोजीशन में आपने बनाना है, आप पहले कोऑपरेटिवली जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि भाई पता लगे कि उसका वो लिथोटमी पोजीशन बन ही नहीं सकती, तो आप उसका पकड़ के जोर से खींचने की कोशिश करेंगे तो आपने तो उसका ज्वाइंट तोड़ दिया। तो इसलिए प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के अंदर ये हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपने पेशेंट को पहले देखना है कि क्या वो उस पोजीशन को टॉलरेट कर सकता है या नहीं, उसकी ज्वाइंट की या किसी उसकी लिमिटेशन तो नहीं है उस चीज में, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोन पोजिशन करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट अपने रखना होता है कि आपने हेड, आपने हैंड्स को आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है, और फिर आपने नेक को भी आपने सपोर्ट करना होता है, और एक कई तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तरीके लोग यूज करते हैं। एक तो ये भी तरीका कि आप रैप कर लें हैंड्स के ऊपर से, आप रैप करके जिस पोजीशन पे आप लेके जाना चाहते हैं ताकि वो हाथ हिले ही ना, यही काम आप हाथ से मतलब किसी की सपोर्ट से भी कर सकते हैं। वरना आप क्या करें कि पेशेंट को रैप कर लें, पेशेंट को आपने जब रैप कर लिया तो उसके बाजू जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में रह जाएंगे। वंस यू हैव मेड द पोजीशन देन यू कैन विदड्रॉ देम स्लोली, और उसमें भी कोशिश ये करें कि दोनों हाथों को भी, हाथों में इतना मसला नहीं होता लेकिन पाँव में तो दोनों पाँवों को एक साथ आपने करना होता है, हाथों को आप सेपरेटली कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो हैंड्स उसी जगह पे टक भी रह सकते हैं, और आप उनको ऊपर की तरफ, जिस तरह आप ऊंधे मुंह लेटते हैं तो आपके हाथ ऊपर की तरफ होते हैं, तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन में आप आराम से हाथों को, और उसमें भी मेरा मशवरा ये है कि जब आप हाथों को मूव कर रहे हो तो आप क्या करें कि अपने हाथ को शोल्डर पे रखें, क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट की टेंस या रिलैक्स होना आपको बता देगा कि आप उसके जोड़ के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। तो आप अगर जब पोजीशन को वापस करें तो आप एक हाथ से हाथ को खींचें या दूसरा कोई बंदा हाथ लेकर आ रहा हो तो आप अपने हाथों से शोल्डर को फिक्स करें, तो उसका फायदा ये होगा कि मरीज के ज्वाइंट के ऊपर असर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी खुरम, और जो वाइवे के कैंडिडेट्स हैं ये थोड़ी सी मैं बात वो कर रहा हूँ, शायद जो प्रैक्टिकल कंडक्ट से ज्यादा है, वाइवे में आपसे इस तरह नहीं पूछा जाएगा कोई, लेकिन आपको अगर ये कंसर्न्स क्लियर होंगे तो आपके लिए वहां पर इन चीजों को एक्सप्लेन करना आसान होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली कोई भी अगर पोजीशन से रिलेटेड आपकी नर्व इंजरी हो सकती है, ज्वाइंट की डिसलोकेटमेंट हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, उसके बाद आपकी ट्यूब की डिसलॉजमेंट हो सकती है कोई, फिर उसके बाद फीमेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू, मेल्स के अंदर जेनिटेलिया, इनका आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि ये क्रश हो सकते हैं, इनको डैमेज हो सकता है। ठीक है, बाकी जो अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर, मैं क्योंकि सारी पोजीशन को एक साथ लेके चल रहा हूँ, अगर ये आपको समझ आ गया तो स्पेसिफिक तो कोई चीज़ है ही थोड़ी सी। ठीक है, तो वो तो इतना बड़ा मसला वैसे ही नहीं है। जो यूजुअली क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, और जो हमने जो ऑर्थोपेडिक इफेक्ट कर लिए, यूजुअली यही इन्हीं तीन चार चीज़ों में होती है। और तो इन्हीं चार चीज़ों को ही आप जहन में रखें। ठीक है, कुछ एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं, कुछ क्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, को देर तक होते हैं और देर से अपीयर भी इवन हो सकते हैं, कोई नर्व इंजरी हुई है तो हो सकता है वो अपेरेंटली उस वक्त आपको ना पता चले, वो पोस्ट ऑपरेटिवली अपीयर हो आपके सामने। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की चेंजेस होंगी, आपने उसको ट्रेंडलन वर्क किया है, सारा एब्डोमिनल विजरा ऊपर की तरफ आए हैं, उन्होंने कंप्रेस किया, ये उसकी वजह से FRC कम हो गई, एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो गई, ये इमीडिएट आ जाएगा। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपने उसको प्रोन पोजीशन किया, आपने उसके एब्डोमेन को फ्री नहीं रखा, तो वैसे हमारे मुल्क में तो नहीं होता, लेकिन एब्डोमिनल जो प्रोन पोजीशन के लिए स्पेसिफिक टेबल होती है, उसका पता नहीं नाम मुझे भूल गया, उसके अंदर सर मैट्रेस होता है, मॉन्ट्रियल मैट्रेस जरूरी नहीं होता खुरम, टेबल होती है स्पेसिफिक इसके लिए। ठीक है, स्पेसिफिक उसके लिए टेबल होती है जिसके दरमियान में होल होता है, जिसके अंदर से एब्डोमेन उसका हैंग करता है, तो आपके एब्डोमेन को बेसिकली एक्चुअली हैंग होना चाहिए। इसको हम देसी तरीके से इस तरह करते हैं कि हम उसके चेस्ट के नीचे कुछ रखते हैं और उसके थाइस के नीचे कुछ रखते हैं, तो आप खुद से गैप क्रिएट करते हैं, तो जिसके अंदर उसका एब्डोमेन फिट हो जाता है। ठीक है, तो आपका एब्डोमेन जो है वो फ्री होना चाहिए। अगर एब्डोमेन फ्री नहीं होगा, एब्डोमेन कंप्रेस हो रहा होगा, तो उसमें वही फीचर्स आने शुरू होंगे जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होते हैं, उसको उसका वीनस रिटर्न कम हो सकता है, उसकी इवन एओर्टिकेवल कंप्रेशन उसकी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, वीनस रिटर्न कम होगा, नॉर्मल पेशेंट में हो सकता है कम इफेक्ट हो, जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा उसके अंदर वो इमीडिएट और ज्यादा उसके ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से, यानी कि आपने उसमें अप्रोच करना होता है। ठीक है, अच्छा एब्रेजन हो सकती हैं, एंगॉजमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अच्छा फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑर्गन्स में एक और जो प्रोन पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आई होती है। आई को हम अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं अलग से। आई की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आई की प्रॉब्लम्स कुछ हम लोग ये समझते हैं कि खाली हमने अगर उसको आई के ऊपर कवर कर दिया तो हमारा मसला हल हो गया। नहीं, आई के ऊपर कवर करने से मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि आई को आपने हैंग किया हुआ है, आई बॉल के मसल्स उस वक्त रिलैक्स हैं, तो आई उसमें हैंग कर रही है, यानी कि आई के जो टिश्यू है वो एक्चुअली मसल्स के जरिए हैंग कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी जो है वो वैस्कुलर सप्लाई हैम्पर होती है। फिर उसके बाद पहले ही हैम्पर है, और ऊपर से आपने ऐसी कंडीशन, ऐसी सर्जरी है जैसे स्पाइन सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी में आप हाइपोटेंशन कर रहे हैं, तो आप प्रेशर को नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आँख फ्री है, लेकिन फिर भी आँख में मुसीबत पड़ी हुई है, इतनी देर हैंग होने की वजह से उसकी कंजंक्टाइवल, उसकी वैसे ही एंगॉजमेंट शुरू हो गई है,
उसका फेस पता लगा जब मरीज सो के उठा तो वो आपसे लड़ना शुरू हो गया कि तुमने तो मेरी ब्यूटी पार्लर का सारा काम खत्म करवा दिया, तुमने मुझे इतना एनगॉर्ज करवा दिया। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है हेड की, फेस की, नेक की, तो ये एक नोन कॉम्प्लिकेशन भी है और ये नोन प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग के अंदर कंसर्न होने चाहिए। और उसके अलावा हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर भी, हमको थोड़ा सा डिटेल से भी टच कर लेंगे, कार्डियोवैस्कुलर हो गए, रेस्पिरेटरी हो गए, मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जो आपकी आई बता दिया मैंने, फेस बता दिया, जॉइंट की डिसलोकेशन बता दी, नर्व इंजरीज। अभी नर्व इंजरीज को मैं थोड़ा सा भी अलग अलग हम करेंगे कि कौन कौन सी नर्व स्पेसिफिक पोजिशन में हो सकती है और कौन सी नर्व किसी भी पोजिशन में हो सकती है, ठीक है। तो सबसे अगर कोई एमसीक्यू के वालों के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट which can be injured or damaged or palsy uski hoti hai, commonest kaun si, what is the commonest? Ulnar. Very good, kyunki uska kisi wo kisi bhi position mein ho sakti hai, to commonest wo hai, theek hai। ab aap agar specific aate jaye, lithotomy position mein kaun si nerves pe problem ho sakti, common peroneal aur ab aap bhi bataye जब आप सोचते जाओ कॉमन पेरोनियल किस तरह होती है, कॉमन पेरोनियल की किस जगह से प्रॉब्लम आती है? नी से स्पेसिफिकली वो कॉमन पेरोनियल जो ना फिबुलर नेक के पास से गुजर रही होती है, तो वहां पर वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर आपने जो किया है लिथोटमी पोजीशन और आपने थाइस को बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया है, तो कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है जो फेशिया के अंदर पड़ी हुई होती है? लैटरल फेमोरल कुटेनियस। नहीं, फेमोरल नर्व। सर ऑब्टुरेटर। जी नहीं, नहीं फेमोरल तो लेटा, दो लेटा उनके बीच में नहीं पड़ी होती, वो तो लेटा से नीचे पड़ी होती। एक सेकंड, मैंने सवाल आपसे क्या पूछा, जब आपने थाई को बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर दिया है तो एक कंप्रेस कौन सी नर्व होगी? फेमोरल होगी। फेमोरल नर्व। जी, तो ये देखे ना, आप सोचे ना, सोच के जवाब देंगे तो आप सही जवाब देंगे। लैटरल फेमोरल कुटेनियस में वहां पे कहां से आ गई? वो उसको कंप्रेस करने, वो पैड से हो सकती है, जो वो उस पे पैडिंग करते हैं, या वो साइड से टच होके वो हो सकती है। ऑब्चुरेटर नर्व अगर आपने बहुत ज्यादा कंप्रेस किया तो ऑब्चुरेटर नर्व भी हो सकती है, लेकिन ऑब्चुरेटर नर्व के चांसेस कम है। इसके लिए आंसर इज फेमोरल नर्व। तो इसके ना आप बताएंगे, आप लैटरोटमी पोजीशन में जो नर्व्स की प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर ये भी बताएंगे, इवन जो पोजीशन को आगे और पीछे करने की वजह से आपका लंबोसैक्रल प्लेक्सस सारों में प्रॉब्लम हो सकती है, चैटिक नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आई वन फुट ड्रॉप हो सकता है लैटरोटमी पोजीशन से, लेकिन पहला, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, फिर उसके बाद आप आखिरी चीज बताते हैं। यानी कि वही वाली बात है कि अगर कोई पूछे कि आपने चिकन कढ़ाई बनानी है तो कह के इसमें पुदीना सबसे पहले आप बता दें, तो पुदीना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तो चिकन चाहिए होगी ना चिकन कढ़ाई बनाने के लिए, तो आप चिकन को सबसे एंड पे बताएं, बाकी सारी चीजें पहले बता दें, तो वो आंसर सही तो नहीं होगा ना, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आ जाए अब आप प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन में नर्व कोई डैमेज का खतरा होगा स्पेसिफिक? जी सर, ब्रेकियल प्लेक्सस की स्ट्रेस से। वेरी गुड, वो किस वक्त होगा, वो किस चीज कहां पे? जब हम आर्म्स, जब आर्म एक्सहेला। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप करें तो उस टाइम पे आप शोल्डर पे हाथ रख लें, तो शोल्डर पे आपको पता लग जाएगा कि शोल्डर कितना स्ट्रेच है, और अल्टीमेटली जो जितना शोल्डर स्ट्रेच होगा उतना मतलब है उतना ही आपका एक्सहेला भी स्ट्रेच है, ठीक है। तो अगर अब एमसीक्यू के अंदर वहां पे लोग कहेंगे अच्छा सर प्रोन पोजीशन में अल्नर नर्व भी तो होती है, भाई अल्नर नर्व होती है, अल्नर नर्व तो किसी पोजीशन में भी हो सकती है, तो हम वहां पर वो आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, तो अगर एमसीक्यू के अंदर आंसर होगा तो ये होगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो ये अटेंड करना नहीं पसंद करते, वो खाली ए बी सी डी ई एफ जी एच खेल रहे हैं वहां ग्रुप में, मैं देख रहा हूँ, मैं अपना सर पीट रहा हूँ, उनमें से कोई भी नहीं आता, नहीं सर वो हम तो एमसीक्यू दे रहे हैं ना, तो सर आप तो वाइवे की बात करते हैं। सर ट्यूटोरियल के अंदर उसने लिखा हुआ है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर से जो नर्व्स एग्जिट करती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस, लैटरल फेमोरल कुटेनियस नर्व और अल्नर नर्व। हाँ जी, नहीं, देखें इसके अंदर जो सबसे स्पेसिफिक मैं आपसे इस वक्त क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ताकि आपको अगर वहां पर बेस्ट चूज द बेस्ट के अंदर, तो देखिए आप सारी नहीं बता सकते ना, चूज द बेस्ट के अंदर तो आपने वो बताना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये इसकी ये चीज है, ठीक है।
अच्छा सर, एक मिनट सर, अगर हम आर्म्स को ओवर एब्डक्ट करेंगे तो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस ओवर स्ट्रेच होगा और इंजरी होगी, यही है ना सेंटेंस? एग्जैक्टली. लेकिन वहां पर देखो, वहां पे वाइवे में मेरी एक बात सुनो, पहले ये आपको सेंटेंसेस की उस वक्त जरूरत होती थी जब आप लिखते थे, वाइवे के अंदर तो आप स्ट्रेच का लफ्ज भी बोल देंगे, इतना क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल दें? ठीक है, ये वाइवा आपकी कोई ब्रिटिश इंग्लिश का इम्तहान नहीं होता. आप पंजाबी में भी बता देंगे ना, वो आपको फेल नहीं करेंगे. आप सिंधी में भी बता देंगे, आप पश्तो में भी, अगर कोई पश्तो एग्जामिनर है ना, पश्तो में भी बता देंगे ना, तो आपको फेल नहीं करेगा. अगर वहां पे दोनों एग्जामिनर पश्तो बैठ रहे हैं ना, बैठे हुए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर किसी को इंग्लिश, ये उन लोगों के लिए है कि जो ये समझते हैं कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हम वाइवा नहीं पास कर सकते. ये उन बेचारे, हमारी पाकिस्तान की जो कौम है ना ओवरऑल, वो मैंने पहले भी ये कई दफा मैं बोलता बता देता हूँ आप लोगों को, ये दो ही कैफियत में होती है, या यूफोरिक होती है या डिप्रेस्ड होती है, और दोनों ही गलत होती है. ना यूफोरिया ठीक होता है, ना डिप्रेशन ठीक होता है. ठीक है, तो इसलिए मैं खुद फेस कर चुका हूँ. मेरा आईएमएम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था, तो मैं तो जनाब किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता था, और फिर अल्लाह ने ऐसा मुझे मेरे गुनाह बख्शवाए ना एफसीपीएस में, कि अभी तक उसकी तकलीफ खत्म नहीं हुई. ठीक है, एफसीपीएस यकीन करें, मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ जो हूँ ना, उसमें सबसे बड़ा इम्पल्स वो जलालत, वो तकलीफ, वो एक टॉर्चर था जो मैंने और मेरी फैमिली ने बर्दाश्त किया. ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखें कि जो इस वक्त इम्तहान दे रहे हैं वो इस तकलीफ को ना भूलें, और जब भी जब आप मेरी जगह आ जाएं तो आप भी लोगों की इसी तरीके से हेल्प करें कि जिस तरीके से मैं आप लोगों की कोशिश कर रहा हूँ हेल्प करने की. ठीक है, और जो जो बेचारे रेजिडेंट्स हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो इन लोगों से निशाने इबरत हासिल करें, वो इन लोगों से निशाने इबरत हासिल करें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह परेशान ना हो, इस तरह आप डिप्रेस ना हो, तो आप पहले से तैयारी करें, तो आप लोगों को इनकी तरह एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा. इन लोगों को बेसिक चीजें नहीं आती हैं, अक्सर लोगों बहुत 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 बेसिक चीज पूछेंगे तो उनको नहीं आती हो, और वजह क्या है? वजह यह कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, वजह और उसमें कसूरवार ये सीनियर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये ना करो, अभी ये तो फर्स्ट ईयर में करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अप्रोच चेंज करें. आप लोग अपने आप को पहले दिन, फर्स्ट डे से आप अपने आप को कंसल्टेंट समझें, आप अपने ऊपर भरोसा करें, आप ये सोचें कि यू आर नॉट अ बेबी. आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, आपने ये सारी चीजें, हर बंदे ने हर वक्त कहीं ना कहीं एमबीबीएस में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं. ये नहीं है कि उसको पहली दफा जिंदगी में उसको ये चीज फेस करनी पड़ी. ठीक है, सॉरी टू बी डिस्ट्रैक्टेड. अच्छा, अब इंडिविजुअली अलग अलग कौन कुछ बातें रह गई हैं वो देख लें, बाकी पोजिशनिंग से रिलेटेड हम लोगों ने मेजोरिटी बातें कर ली हैं. जो हीमोडायनेमिक अगर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर उसको आप देख लें, तो सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट सिटिंग है, तो सिटिंग से जब सुपाइन में आएगा ना, तो उसकी एफआरसी फिर भी कम हो जाएगी. ठीक है, वीक्यू मिसमैच हो सकता है, लेकिन ये एग्जेजरेटेड होगा अगर ट्रेंडल एंड बर्क पोजीशन, ठीक है, या उन पेशेंट्स में ज्यादा होगा जिनके अंदर पेशेंट रिस्क पे होंगे. अच्छा, अब खुर्रम आपसे सवाल है ये कि एफआरसी कम हो रही है, उसकी वजह से जो वीक्यू मिसमैच हो रहा है उसको मिटिगेट करने का क्या तरीका है? स्पेसिफिक मेरा सवाल समझ रहे हैं आप इस चीज को करने का? क्योंकि अगर आप टाइडल वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपका एयरवे प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम या मिनट वेंटिलेशन के अलावा कोई तरीका है जिससे आप इस चीज को मिटिगेट कर सकते हैं, इस चीज को आप रोक सकते? सर, एक तो FiO2 बढ़ाएंगे. ठीक है, FiO2 बढ़ाएंगे तो फिर फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, आपका नाइट्रस आर्ट आप दे रहे थे तो आप वो अपना कॉम्बिनेशन खराब कर रहे हैं, ये भी मैंने रिजेक्ट कर दी. इसके अलावा कोई और तरीका जिससे ये चीजें डिस्टर्ब ना हो और आप इस इफेक्ट को मिटिगेट कर लें? सर, एक तो वो लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन इसमें हेल्प कर सकती है लो टाइडल वॉल्यूम के साथ, और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दें. अच्छा ठीक है, एक बात हो गई. एक सेकंड, अब आप फंस गए हैं, अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट में फंस गए. वीक्यू मिसमैच का ताल्लुक ज्यादा वेंटिलेशन से होता है या परफ्यूजन से होता है? परफ्यूजन से. तो यहाँ पे आप क्या चीज इंप्रूव कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव कर रहे हैं या वेंटिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं? सर, जब टाइडल वॉल्यूम हम कम करेंगे. ठीक, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जिसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच पे ज्यादा इफेक्ट होगा. आप लोगों में से अभी किसी को भी नहीं याद आया, अगर किसी और को आता है तो थैंक यू वेरी मच. पीप ऐड कर दें जी, द आंसर इज पीप. ठीक है,
आप पी पैट सर एटीलेक्टेसिस हो रही है और वो उसको उसकी वजह से अपर सीट नहीं कम हो गई है, तो आप एल्वियोलाई को कोलैप्स ना होने दें और पहले फिर कोशिश करें कि सी पैप देके उनको थोड़ा खोलें, रिक्रूट कर लें और फिर पी पैट कर लें, ये बेस्ट रहता है। हाँ जी, इसी तरीके से अगर आप कार्डियोवैस्कुलर देख लें तो इसी पोजीशन में अगर ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर जैसे वो एक ही है कंडीशन, वो है आपका एरिटोकोकल कंप्रेशन अगर हो रही है तो आप वो करेंगे। अगर कोई प्रेशर था, अगर आप समझते हैं कि आपने पेशेंट को लिटाया, यही तो होता है ना कि पेशेंट को आपने जब प्री ऑपरेटिवली देखते हैं तो देखते हैं कि भाई वो पेशेंट बैठा हुआ है तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, तो जब वो लेटेगा तो उसके साथ क्या होगा, तो आप उसको अगर कोई भी ऐसी चीज है जो करेक्ट हो सकती है वो आप करेक्ट करेंगे। अगर उसको ब्रोंकोस्पैज़म है तो ब्रोंकोस्पैज़म को रिलीफ करेंगे, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करेंगे ताकि उसका जो बेसिक एटीलेक्टेसिस है वो ठीक हो जाए। अगर वो ग्रेविड यूट्रस है तो आपने उसको लेफ्ट आपने टिल्ट कर दी, आपका वो आपका खत्म हो गया, ठीक है, उसका प्रेशर आपने रिलीफ कर दिया, ठीक है। अगर कोई ऐसी सर्जरी है इसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपने एट्रोजेनिक आपने बढ़ाया हुआ है तो वो आप ठीक कर लेंगे। अच्छा, आप साथ उसको हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये होना ही होना है, तो आप उसको थोड़ा सा इंडक्शन करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा वॉल्यूम लोड दे दिया, चाहे वो क्रिस्टोलाइट से चाहे वो कोलाइट से, ठीक है। आपने यानी कि ये चीज़ें पहले से एंटिसिपेट की, अगर आपने पहले से एंटिसिपेट करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा रहे हैं तो आप क्या करें कि आप पहले से ही उसका थोड़ा सा वेंटिलेशन को थोड़ा सा आप इंक्रीज रखें ताकि उसकी ट्रांजिएंटली आप उसको थोड़ी सी CO2 को पहले ही कम कर दें एक्सेप्टेबल रेंज में, ताकि आपको पता हो गया अब ये इन्फ्लेट होगा तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 या 5 सेंटीमीटर मर्क्यूरी वैसे बढ़ना है, तो वो टाइट्रेट हो जाएगी, स्विंग्स नहीं आएंगी। पहले आप उसकी तबाही मचाएं फिर आप उसको हाइपर वेंटिलेट करें, तो पहले ही आपको यू हैव टू लुक ऑन वट और लुक एट वट इज हैपनिंग एंड यू हैव टू एंटिसिपेट रादर देन क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड देन ट्रीट इट। लाइक अगर आप समझ रहे हैं कि स्पाइनल आपने लगाया है और उसको हाइपोटेंशन होनी है, उस पर वैसे तो बहुत स्टडीज भी हो चुकी हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर प्रैक्टिकल कंडक्ट में भी ज्यादा बेहतर ये है कि आप उसको एंटिसिपेटेड दे दें, आप उसको इन्फ्यूजन में दे दें या आप उसको इंट्रामस्कुलर दे दें, ताकि आपको पता है कि प्रॉब्लम है। तो अपने पेशेंट को स्पाइनल लगाने से पहले उसको ड्रिप में डाल देता हूँ कोई भी वेसोप्रेसर या फिनाइल एफ्रीन या एफिड्रीन, ठीक है सर। ये तो रिकमेंडेड भी है, ये और बात है कि आप माना नहीं जाता इसको, लेकिन ये तो रिकमेंडेड है कि आप पहले से इन्फ्यूजन चला दें। हाँ जी, मतलब ये यानी कि ये मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो आप शायद आपके पास इतना मार्जिन नहीं होगा, लेकिन आप बता दें, आप एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि कोई बंदा अदर पेशेंट कहेगा कि भाई उसका पहले ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया या आपने उसको आप उसको इन्वेसिवली क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है। तो सुपाइन सिटिंग पोजिशन से सुपाइन पोजिशन में आया, हम लोगों ने चीजें देख ली, यही बातें आपकी, यही सारी चीजें आपकी लिथोटमी में भी हैं, यही चीजें आपकी रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में भी है, ठीक है। सॉरी सर, एक मेरा क्वेश्चन है। जी खुरम। अच्छा सर, ये जो आपने क्वेश्चन किया था वीक्यू मिसमैच वाला, जिसमें जब प्रोन पोजीशन में व्हेन इट्स पर्टिकुलरली अबाउट पोजीशनिंग, तो उसमें जब आप प्रोन करते हैं तो इसमें ऑटो पीप नहीं होता पेशेंट, और इफ जैसे मैडम ने बोला कि एटीलेक्टेसिस है, एटीलेक्टेसिस की वजह से आप पीप देते हैं, तो एटीलेक्टेसिस तो बेसिकली वेंटिलेशन को ज्यादा खराब करता है परफ्यूजन से, तो बेसिकली जो ऑटो पीप है वो नहीं, जो कार्डियक प्रीलोड है उसको एक सेकंड, आप चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। मैं एक तो बात ये कि आप प्रोन की बात कर रहे हैं, मैं प्रोन की नहीं बात कर रहा, मैं सुपाइन की बात कर रहा हूं, मैं सुपाइन और ट्रेंडलनबर्ग की बात कर रहा हूं, प्रोन की तरफ आप अभी नहीं गए। अच्छा, अभी हम सर मैंने वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि एटीलेक्टेसिस का, देखिए एटीलेक्टेसिस का मुझे ये बताइए कि आप मैकेनिकल फंक्शन बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस टाइम पे मैकेनिकल फंक्शन उसके एटीलेक्टेसिस के बगैर भी चल रहा था, अब वो प्रोमिनेंट हो गया, पहले वो सो रहे थे, उनके सोए हुए लोगों की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब मुजाहिदों की जरूरत है, तो अगर आप मुजाहिदों को जगा देंगे तो जब एटीलेक्टेसिस खत्म होगा तो वहां पर इम्प्रूवमेंट होगी ना, क्या नाम है उसका, ऑक्सीजनेशन भी होगी वहां पे, क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर, सुपाइन पोजीशन के अंदर ब्लड फ्लो का इतना मसला नहीं है,
ब्लड फ्लो का मसला ज्यादा किसमें आता है, सबसे ज्यादा किस पोजीशन में वेंटिलेशन परफ्यूम मिसमैच हो जाएगा होने का खतरा होता है, सबसे खतरनाक पोजीशन कौन सी होती है? जी सर, लेटरल डिक्यूबिटस तो नहीं होती? वेरी गुड, इतना अगर ये सवाल का जवाब आपको पता है ना कि सही है तो जरा कॉन्फिडेंस से बोलो जैसे तुम बोलती हो आमतौर पर, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है, ये लेटरल डिक्यूबिटस होती है वो उस पे उस पे उस पे डिपेंडेंट लिंग में ज्यादा उस पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही है ना? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, अब आपने डिपेंडेंट लंग का नाम ले लिया, जो नॉर्मल एक पेशेंट जो रीनल पोजीशन में हो रहा है उस वक्त डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट का इतना ज्यादा चक्कर नहीं है ना, वो तो उस वक्त होगा कि जब आप सर्जरी कर रहे हैं, आपने वन लंग में आप उसको वन लंग वेंटिलेशन से ना मिक्सअप करें, यहाँ पे वन लंग वेंटिलेशन नहीं हो रही है, सिंपल कंडीशन के अंदर भी हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स हो रहे हैं, आप उसको कह सकते हैं ना डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट लंग, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज आमतौर पर वन लंग वेंटिलेशन में यूज होती है, ठीक है? मतलब लाइक ये कि वो उसके अंदर इफेक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर तो आपने न्यूमोथोरेक्स किया हुआ होता है ना, उसके अंदर तो सिचुएशन उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, जब आप वन लंग वेंटिलेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर लैटरल के अंदर बढ़ जाएगी ना जाहिर है, अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई सबसे ज्यादा वीक्यू मिसमैच की प्रॉब्लम जो है वो लैटरल पोजीशन में होती है, ठीक है? और वो चीजें और ज्यादा एग्जेजरेट और वर्सन हो जाती हैं जब आप उसको वन लंग को वैसे ही आपने डाउन कर दिया, ठीक है? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप पीप देने से सिंपल आपने उन एल्वोलाइज को कि जो कोलैप्स थे, अब आपको जरूरत पड़ गई है मुजाहिदों आ जाओ भाई खुदा के लिए, तुम लोग रेस्ट कर लिया तुम लोगों ने बहुत, तो हम उसको थोड़ा सा पीप देके उनको इन्फ्लेट कर उसको उनकी डिफ्लेशन कर देते हैं, ठीक है? डिफ्लेट गलत लफ्ज बोल गया, उसको आप उनको इन्फ्लेट कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया सुपाइन पोजीशन, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक बात मैं अभी बताना ही भूल गया हूँ, वो है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ड्यूरेशन पे डिपेंड करती हैं, कि ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा तो वो नॉर्मल कंडीशन में शायद नहीं है, सुपाइन पोजीशन में हो रहा है हील पड़ी हुई है, अगर 15 घंटे की या 12 घंटे की सर्जरी हो रही है तो वो हील भी अगर टच हुआ हुआ है एक जगह पे, सैक्रम टच हुई हुई है, जो है हिप्स बटक्स हुए हुए हैं, तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर प्रेशर नेक्रोसिस बन सकते हैं, ठीक है? और कोई भी किसी भी पोजीशन में सर्जरी हो रही है, आपने उसको आईवी लाइन लगा बीपी कफ को आपने बहुत आप मेटिकुलस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपने उसको 2 मिनट पे लगा दिया और 12 घंटे की सर्जरी है, वो 12 घंटे की सर्जरी 2 मिनट पे आपने लगा दिया, आपने उसकी नर्व उसके मसल उसका टिश्यूज का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है? तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वो न्यूरोपैथीज या वो प्रॉब्लम्स होती हैं या वो प्रेशर के होती हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन से होता है, ठीक है? सैक्रम पे हो सकता है, ऑक्सीपिट पे हो सकता है, आपकी सैक्रल एडिमा हो जाएगा, जो अगर पहले से प्रोन जगह हैं जैसे मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट है तो उनके अंदर ये वैसे ही प्रॉब्लम होती है, बेचारों की मोबिलिटी एम्बुलेशन कम होती है, उनके अंदर वैसे ही बेसलाइन बने हुए होते हैं और आपने मजीद उसको 12 घंटे के लिए कर दिया, उसके बाद ये कि अगर प्रोलॉन्ग सर्जरी हो तो एम्बुलिज्म होने के ज्यादा खतरा होता है, तो वो जहां पर भी जाए ऐसी पोजीशन जिसमें बहुत ज्यादा वहां पे स्टेसिस हो रहा है, जैसे अगर रिवर्स ट्रेंडलन बग पोजीशन है तो ब्लड जो है ज्यादा वो लोअर लिम में पूल हो रहा है, तो जब पूल ज्यादा होगा तो वहां पे ज्यादा होगी और वो वेन्स वैसे ही बेचारी बदनाम है, वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो एग्जेजरेट हो जाएगी वो मसला, ठीक है? तो ये इसका थ्योरी है। मैं अभी ना रिवर्स ट्रेंडलन बग पे ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि वो रिवर्स ट्रेंडलन बग पे एक ही ज्यादा होती है, वो एयरवे से रिलेटेड होती है ज्यादा, वो भी हम उसकी बात कर लेंगे, वो एयर एम्बोलिज्म से रिलेटेड होती है। अच्छा, आप लिथोटमी पे आ जाए, लिथोटमी में जो चीजें अभी हमने बता दी हैं उनके अलावा क्या चीज होती है? जब लिथोटमी पोजिशन करते हैं तो उस टाइम पे ऑटो ट्रांसफ्यूजन होती है, ठीक है? तो अगर एक पेशेंट के जो बेचारा जिसका पूरा पूरा सिस्टम चल रहा है, तो अगर आपने उसके अंदर 500 ml या 400 ml या 300 ml भी एक्स्ट्रा आपने फ्लूइड पहुंचा दिया तो वो कम डीकम्पेंसेट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से जब आप उसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने से पहले भी एनेस्थेटिस्ट को जाग जाना चाहिए नींद से। आमतौर पर हमारे सिचुएशन में क्या होता है, जब ऑपरेशन खत्म होने वाला होता है तो उस वक्त पेपर फिल कर रहे होते हैं या बाहर जाके कह रहे होते हैं कि यार खत्म हो गया मरीज को शिफ्ट करा दो, वो उस टाइम पे पता लगा कोई ओल्ड एज का पेशेंट है, उन्होंने उसको रिवर्स एंडलन बग पोजीशन को रिवर्स किया और सडनली उसको हाइपरटेंशन हो गई, ठीक है?
हाइपरटेंशन की वजह से उसकी प्रॉब्लम हो गई। और इवन प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे हमारे जो एनेस्थीजिया के जो होते हैं ओटीए और महजब मुल्कों में या महजब जगहों पे उसको एनेस्थीजिया टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन कहा जाता है, वो जल्दी होती है, वो किसी तरीके से बस उठाओ मॉनिटर करके फारिग करो, पोस्ट वॉक अगले पेशेंट की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो दैट इज अ वेरी डेंजरस टाइम, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा पेशेंट जो एट रिस्क पे है, जिसको ऐसी, और आमतौर पे ऐसी सर्जरीज होती भी ऐसे मेजॉरिटी ऐसे पेशेंट्स में होती है जिनके अंदर वो ऑलरेडी वो ओल्ड एज के होते हैं या जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गायनोकोलॉजिकल हो, यूरोलॉजिकल हो, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है इस चीज का। बाकी नर्व्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, शैटिक नर्व, कॉमन पेरिनियल नर्व। सर इसमें लिथोटमी पोजीशन में एफआरसी भी कम होता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि सबसे ज्यादा इसमें होता है, लिथोटमी में 12% होता है, लिथोटमी में 18% होता है और लैटरल में 12% होता है। अब पता नहीं सही है नहीं आपको बताऊं, आपने क्या बोला है, लिथोटमी पोजीशन और लैटरल। यार देखो लैटरल में ज्यादा होता है, वीक्यू मिसमैच सबसे ज्यादा लैटरल पोजीशन में होता है, क्योंकि आप उसके अंदर, या आप उसको दोबारा से कंफर्म कर लो या आप उसको शेयर कर दो। आप ये जो बात इन्होंने कही है ना, एफआरसी जो सबसे ज्यादा कम होती है, जो मैंने पढ़ा था वो सुपाइन में सबसे ही ज्यादा कम हो जाती है, इवन किसी भी पोजीशन को लेके। वो देखो सुपाइन, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सुपाइन और अगर वो कंबाइंड विद ट्रेंडलनबर्ग है ना, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली ये पोजीशनिंग देखें, ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव होती हैं, किसी में ज्यादा होगा इफेक्ट, किसी में कम होगा। जहां तक मेरे अपने, मैं अपने कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ, मुझे जाहिर बात है रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है ये, तो अगर कहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज आप शेयर करें, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो ये इसमें है। अच्छा उसके बाद लेग्स की परफ्यूजन ड्यूरिंग जो है वो होती है। अच्छा कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी, कंपार्टमेंट प्रेशर भी बढ़ जाता है। अभी हम लोगों ने दो दिन पहले लिम कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अंदर जब प्रेशर हो रहा होता है ना, तो ब्लड फ्लो एलिवेट करने से भी कम हो गया, और अगर वो कंप्रेस हो रहा है, बहुत टाइट उसको बांध दिया है, उसके नीचे कोई सॉफ्ट जेली लाइक नहीं है चीज जिसने उसको बहुत ज्यादा दबा दिया है, बहुत टाइट आपने बांध दिया है पकड़ के, तो उसके अंदर जो है वो कंपार्टमेंट प्रेशर का भी हो सकता है। सर सबसे ज्यादा टक पोजिशन में होता है ये टक पोजिशन का क्या मतलब है आपका? सर ये बेसिकली प्रोन पोजिशन होती है विद फ्लेक्स नी। ओके ओके, जो आप लोग रीनल के लिए कह रहे थे। जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा और एक और जहन में रखें बात, कि जब आप लोग लिथोटमी पोजीशन होते हैं ना, तो आप लोगों के दिमाग में से डीएनसी और टीयूआरपी और इस तरह की सर्जरीज आ जाती हैं। आपको पता है कि जो कोलोरेक्टल सर्जरीज होती हैं, वो मैंने 10-10 12-12 घंटे की कोलोरेक्टल सर्जरी कराई है, जो कि लिथोटमी पोजिशन में होता है पीछे, तो उसके अंदर वो ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक सर इसमें अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो प्रेशर इंजरीज आप बता रहे हैं। जी सर, प्रेशर इंजरीज जो है उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सही। जो डायरेक्ट तो है वो सर आप सारी बता रहे हैं, जैसे जो भी प्रेशर डिवाइडेड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जो भी आपकी एंकल हो गई या आपके सैक्रम हो गया या प्रोन पोजीशन में है, तो जिस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा। जो इनडायरेक्ट है उसमें उसमें जैसे अकुलर में डायरेक्ट प्रेशर से तो ग्लोब से हो गई, लेकिन इनडायरेक्ट में उसकी परफ्यूजन जिससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर कम होता है, इसी तरह पैंक्रियाटाइटिस प्रोन पोजीशन में हो सकता है, लिवर इस्कीमिया हो सकता है। जो इनडायरेक्ट यानी प्रेशर जो है वो उसके एब्डोमिन पे है, लेकिन परफ्यूजन ऑर्गन्स की रुकेगी इनडायरेक्टली। सही। तो ये मैं नहीं, इसी के अंदर आप ऐड कर लें, क्योंकि देखिए मैं आपको जबानी बता रहा हूँ, मैं आपको फिलपति बता रहा हूँ, मैं बीच में थोड़ी थोड़ी हेल्प ले भी रहा हूँ, लेकिन मैं कोई प्रिपेयर, आई एम नॉट डूइंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जब प्रेजेंटेशन नहीं करते ना, तो यू आर प्रोन टू फॉरगेट। तो इसके अंदर आप जितने प्रेशर है ना, जब भी आपका CO2 बढ़ेगा या आपकी होगी, तो जब वीनस रिटर्न आपका बढ़ रहा है, तो उसमें आपकी वो चीजें कि जो प्रॉब्लमेटिक हैं वो आपकी बढ़ सकती हैं, आपका IOP बढ़ सकता है, आपका ICP बढ़ सकता है, वो उससे रिलेटेड चीजें वो रिलेटिवली हर पेशेंट में डिफरेंट होंगी, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या प्रेशर्स क्या क्या चीजों पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपने ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन किया, तो एंगॉजमेंट पेन्स हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, तो उससे ICP भी बढ़ेगा, उससे IOP भी बढ़ेगा, एम आई राइट? जो आप ये बता रहे हैं ना,
ये उसी बात की कॉन्टिन्यूएशन है जो है कि मुख्तलिफ और ऑर्गन्स इनडायरेक्टली और मुख्तलिफ और सिस्टम्स पे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जब भी स्टेसिस होगा तो वो हो जाएगी। सुहेब, जो आपने बताया है वो अगर आपको उसका रेफरेंस मिलता है तो प्लीज आप शेयर करो। ठीक है, अच्छा, तो क्या नाम है उसका, और इसके अलावा कोई अभी तक की डिस्कशन में कोई ऐड करना चाहता है कोई बात तो प्लीज। सर, वो आपने कहा था कि वो आप बताएंगे इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथीज एंड जी, वो जो पोस्ट ऑपरेटिव विजन लॉस ना, प्रोन पोजीशन में। मैं अभी प्रोन पोजीशन की तरफ आ रहा हूँ, लैटरल पोजीशन के बारे में, लैटरल पोजीशन के बारे में और कोई बात। अच्छा सर, इसमें जी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज गायब हो गई थी, फिर से बोले जी। सर, मुझे भी नहीं आई, मैं सॉरी, एकदम मेरा रास्ता मुनकता हो गया। फिर से बोले। अच्छा सर, इसमें जितना भी जिन पोजीशंस में जॉइंट्स के बारे में कहा गया है, उसमें ये है कि आपको प्री ऑपरेटिवली जॉइंट सब जॉइंट्स की पोजीशन रिलेटेड रेंज ऑफ मोशन को असेस करना जरूरी है। मैंने आपको बताया था लिथोटमी में, ना लिथोटमी में मैंने आपको लिथोटमी में बताते हुए मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, आपने जो भी पे है उनमें आपने प्री ऑपरेटिव देख लेना है, जो भी पोजीशन आप करना चाहते हैं, पता लगे हाथ उसका खींच रहे हैं आप, उसका शोल्डर, उसका फ्रोजन शोल्डर था, पता लगा आपने उसका फ्रैक्चर कर दिया, ऑस्टियोपोरोटिक फीमेल थी, उसने आपका पकड़ने के आपने उसका हिप का फ्रैक्चर कर दिया, ये नोन चीजें, ऑर्थोपेडिक सर्जरी ये तो हमारी रिलेटेड है ना। उसके बाद हम इसमें एडिशन करेंगे कि ऑर्थोपेडिक में जो हैंग किया हुआ होता है, एक 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 फुट को पकड़ के उसने लॉक किया हुआ होता है, उसके ना सर्जरी हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रेंज ऑफ मोशन और एसोसिएटेड जो उसके अंदर चीजें हो सकती हैं वो आपको हर वक्त ज़हन में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद जो लैटरल पोजीशन है, लैटरल पोजीशन के अंदर अगर ये जो वेंटिलेशन की ही अगर हम बात करें तो उसके अंदर वो मैंने बताया था ना, अगर वीक्यू मिसमैच होता है तो आपको उस हिसाब से एंटिसिपेट करना होता है। ये प्रॉब्लम अवेक पेशेंट के अंदर रिलेटिवली डिफरेंट होता है, और अगर पेशेंट एनेस्थेटाइज हो गया है तो उसके अंदर होता है, लेकिन लैटरल पोजीशन या प्रोन पोजीशन अवेक पेशेंट में अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है। ठीक है, लैटरल पोजीशन में इतना अच्छा, लैटरल पोजीशन के अंदर जब आप करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स का इसमें स्पेसिफिक आप बता सकते हैं ज्यादा चांसेस जो होते हैं? जी इंजरी से कौन सी बीमारी होती है? मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका। ठीक है, तो जो है ना आपको ये वो तब होती है ना जब फोर्सेप्स डिलीवरी की वजह से, मेरा ख्याल है यार, लैटरल कुटीनियस नर्व ऑफ थाई जहां पे भी इन्वॉल्व होगी वो किसी भी रीजन से हो सकती है। इसके अंदर भी ब्रेकियल प्लेक्सस के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, और इसके अंदर रेडियल नर्व लिखा हुआ है, अब ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेडियल नर्व किस तरीके से, व्हेन द आर्म इज सस्पेंडेड इफ द शोल्डर इज एबडक्टेड ग्रेटर देन 90 डिग्री, रेडियल नर्व का लिखा हुआ है, वो बेसिकली वही। अच्छा, एक और बात ये कि सेफनस नर्व को हम भूल गए थे, सेफनस नर्व मीडियल लैटरल साइड पे आपकी लैटरल फेमोरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, और नीचे आके कॉमन पेरिनियल नर्व है, और मीडियल साइड के आपकी ऑब्चुरेटर, और नीचे आके सेफनस नर्व है जो इंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कहानी है इसमें। और एक ध्यान में रखें कि नॉर्मली जो होता है जहां पर भी एनकॉजमेंट होती है, तो अब जैसे लैटरल है ना, तो एक साइड का इन्होंने ईयर भी लिखा हुआ है, ईयर में भी और आई में उस साइड पे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जो आई को हम बहुत ज्यादा कवर करते हैं ना, वो भी कोई अच्छी चीज नहीं है, मैं आई की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, प्रोन पोजीशन आ जाए, प्रोन पोजीशन को थेरेप्यूटिक भी यूज किया जाता है जो है ना आपकी, और बेसिकली सीलिएक प्लेक्सस जी, सीलिएक प्लेक्सस ब्लॉक में, ओके, और पैरावर्टिब्रल ब्लॉक्स में, और सर फेशियल जॉइंट पेन, जितने भी हैं ये हमारे पेन के, आप इसको इस तरह बताने के बजाय कि कोई भी रीजनल एनेस्थीसिया या पेन के ट्रीटमेंट के लिए आप कर सकते हैं।
ठीक है, और एक्चुअली इट शुड नॉट बी यूज एज प्रोन पोजिशन, इट शुड बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट प्रोन पोजिशन। वो किस में किया जाता है? ARDS में, ठीक है? ओ, प्रोनिक, यस। हाँ जी, वो बेसिकली आप प्रोन पोजिशन सिर्फ कहते हैं ना, तो ये एक्चुअली इनकम्प्लीट आंसर है। आपने ये नहीं है कि आप उसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए आप उसको प्रोन पोजिशन में कर दें, वो इट शुड बी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट प्रोनिंग होती है, क्या फायदा होता है ARDS में प्रोन पोजिशन का? सर वही VQ बेहतर करते हैं। कैसे? इसका स्पेसिफिक आंसर तैयबा बताओ। सर एल्विओलर रिक्रूटमेंट हो जाती है ना? सर असल में जो हमारा पोस्टीरियर कोई ऐसी बात होती है, जो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लंग होता है, सर मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, आप बता पाओगी, आप बिल्कुल सही बता रही हो, यही चक्कर है कि इसके कुछ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लंग होता है जो कि ज्यादा। एक सेकंड, आसान, मैं आपकी जिंदगी आसान बता रहा हूँ। इसका आंसर ये है कि जब हम प्रोन पोजिशन करते हैं तो वो एल्वियोलाई के जो सुपाइन पोजिशन में नहीं ऑक्सीजनेट और वेंटिलेट हो रहे, वो होना शुरू हो जाता है। When you are doing it, वो मुझे कभी समझ वैसे नहीं आई, मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे ये समझ नहीं आती क्या हमारे सुपाइन में वो कम एल्विओलाई हमारे वो हो रहे होते हैं वेंटिलेट एज कम्पेयर टू प्रोन। नॉर्मली भी देखो, नॉर्मली इतना इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है कि हमारे मजहब ने उल्टा सोने से मना किया है। एग्जैक्टली उसकी कोई ना कोई नॉर्मली ये नहीं होता, ये इस कंडीशन में होता है। जी खुरम क्या कह रहे हो? सर जो इसमें बेसिकली जो एपेक्स होता है ऊपर वाला लंग का हिस्सा और बेसल, ऊपर वाला जो है वो परफ्यूजन उसकी कम होती है मेरे ख्याल में और वेंटिलेशन ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं तो ये चेंज होता जाता है, तो सबसे नीचे वाले जो लंग्स है ना वो सबसे ज्यादा परफ्यूज और वेंटिलेट, सबसे ज्यादा वेंटिलेशन उनमें होती है नीचे वाले लोब्स में। जब आप प्रोन पोजिशन करते हैं ना तो आपका एपेक्स और वो जो आप कह रहे हैं पोस्टीरियर नहीं, इसको आप लफ्स एपेक्स मेरे ख्याल में यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो वो ज्यादा वेंटिलेशन में हिस्सा लेना शुरू करते हैं जिससे एपेक्स प्रोन पोजीशन में नहीं होता मेरे ख्याल से। सर जो वेंटिलेशन है जो सर बता रहे हैं, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन दोनों बेस पे ज्यादा होती है, एपेक्स पे कुछ ज्यादा नहीं होता, एपेक्स पे सिर्फ ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा होती है। तो जब आप प्रोन करते हैं तो वही तो बेहतर करते हैं ना, जब वो उनकी परफ्यूजन बेहतर होती है ऊपर वाले एल्वियोलस। हमली रिक्वेस्टिंग सर, आप दोनों चीजों को मिक्स काइंडली ना करें, एक तो सुपाइन पोजीशन है और दूसरा जो जो लंग जोन्स बताए गए ना, दैट इज एन इरेक्ट पोजीशन। अगर बंदा खड़ा है तो उसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी का भी इफेक्ट आएगा, तो इस वजह से। और दूसरा सुपाइन और प्रोन पोजीशन में ना देयर आर टू डिफरेंट थिंग, और जो थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, कारण जी अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जो सुपाइन पोजीशन में हमारे जो नीचे वाले जो लंग्स होते एल्विओलाय होते हैं ना लंग्स के, तो वो प्रोबेबली इसी वजह से देंगे, उनके कुछ ना कुछ सिक्रीशन में आती हैं, तो दे आर नॉट बेटर वेंटिलेटेड। हम उसको सर ये आरडीएस से रिलेटेड सबसे बेहतरीन सवाल जवाब ये है जो सर बता रहे हैं कि जब वो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ज्यादा देर लेटा रहता है तो सिक्रेशंस प्लैग बना देते हैं। तो बेसिकली जब पेशेंट रिपोजिशनड होता है, अगर आप ये कहेंगे कि पोस्टीरियर ऑफ द लंग के एल्वियोलाई और इंटीरियर ऑफ द लंग, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक डिसीसिव फैक्टर है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा वैलिड पॉइंट है जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी, वैसे आप कमेंट कर दें सर अगर कोई इससे बेहतर। नहीं ठीक है ठीक है, ये ऐसे ही है। अच्छा दूसरा मुझे एक आप क्वेश्चन ये है कि ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, ये हम लोगों से बेसिकली वाईवे में पूछा गया था, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक पेशेंट है प्रोन पोजीशन में, उसकी सर्जरी कोई हो रही है, अब उसकी प्रोन पोजीशन में ट्यूब डिसलॉज हो गई है, तो व्हाट विल यू डू? ये खुरम बताएं आप। सर सर्जरी के दौरान प्रोन पोजीशन में कोई सर्जरी हो रही है, ट्यूब डिसलॉज हो गई फॉर एनी गुड रीजन, आप उसका वेकअप टेस्ट कर रहे थे, वेकअप टेस्ट करते हुए पेशेंट इतना एग्रेसिवली हुआ है कि उसकी ट्यूब निकल गई, अब आप क्या करें? सर अगेन वही जो आपने बताया हुआ है, आई विल कॉल फॉर हेल्प। वेरी गुड, मेक श्योर करेंगे कि जो एयरवे ब्रीदिंग
एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, और आपके पास इतना स्टाफ मौजूद हो जो कि उस पोजीशन में उस बंदे को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट हो। आप करेंगे और उस टाइम पे क्या करेंगे, सीधा करेंगे पहले? सर उल्टा ही ट्यूब डाल दें सर, रीइंफोर्स्ड। एक सेकंड, ट्यूब डालने से पहले कुछ करेंगे सर? उसको ऑब्वियसली कोशिश करेंगे वेंटिलेट करने की। वेरी गुड, तो आप उसको मास्क लगा के आप उसको मास्क वेंटिलेट करेंगे, आप उसको वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर एलएमए डाल दूंगा सर मैं। एलएमए से भी वेंटिलेट हो सकता है, एलएमए से ज्यादा बेहतर। आप सुप्राग्लॉटिक बोले, उसके अंदर सुप्राग्लॉटिक के अंदर आई जेल इज बेटर, क्योंकि आई जेल की प्लेसमेंट इज इजियर देन एलएमए। ठीक है, आप वेंटिलेट ना, वेंटिलेशन सही नहीं हो रही, आप एयरवे डाल के आप बताएंगे, आप उसको वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम यू विल बी अरेंजिंग फॉर द अदर थिंग्स। अच्छा, अब अगला आपको पता ही, हमसे एफसीआई के बारे में पूछा गया था, और मैंने ये इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा था। मैं सलाम करता हूँ गोरों को कि गोरे कहीं से कोई ना कोई चीज निकालते हैं ऐसी कि आपका दिमाग की एक्सरसाइज करा देते हैं। ठीक है, ये किसी किताब में मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ देखा, ये मैंने आज तक कभी ये सवाल उससे पहले कभी सुना ही नहीं था कि यार ये भी कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी कभी सवाल पूछा जा सकता है। अब आपने आपने किए एफर्ट, यही सवाल था कि ओके यू डिड योर बेस्ट बट यू आर नॉट एबल टू ऑक्सीजनेट द पेशेंट प्रॉपरली एंड पेशेंट वेंट टू कार्डियक अरेस्ट, व्हाट विल यू डू? सर फिर यही है कि स्टॉप द सर्जरी, फिर तो सीपीआर ही करना पड़ेगा रेस्ट में और चला गया। आप सबसे पहले सर एयरवे, चूंकि एबीसी में एयरवे ही आता है, नहीं रेस्ट में तो एबीसी नहीं होता ना सर, एबीसी तो इसमें तो पहले सीपीआर करना पड़ेगा रेस्ट, कंप्रेशन आएगा ना, विटनेस रेस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हाँ वो तो कंप्रेशन, वो तो कैप बन जाता है, एयरवे तो फिर दूसरे नंबर पे होता है। समझ आ गई बात? तो इसके अंदर कंप्रेशन कैसे करेंगे सर? अगर प्रोन है पेशेंट तो प्रोन ही करें, क्योंकि अगर अक्सर वो फिक्सर्स भी लगे होते हैं, तो उन्होंने यही रिकमेंड किया आप प्रोन ही करें, और मीन वाइल आप उसको सीधा करते करते फिर करें, लेकिन आपने डिले नहीं करने कंप्रेशन अपने, क्या सीधा करेंगे और कंप्रेशन करेंगे। इसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा बात आपके दिमाग में ही होनी चाहिए कि अगर पेशेंट, यू आर लूजिंग द पेशेंट और आपसे सही रिजल्ट नहीं आ रहे, जब आप कंप्रेशन करते हैं तो आप कंप्रेशन की एक्यूरेसी को कैसे चेक करते हैं? एंटाइडल CO2 से, एक तो नीचे मैट्रेस, नहीं एंटाइडल CO2 से देखते हैं। एंटाइडल CO2 कितना होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 10 10 है या 20 है? 20 तो बहुत ज्यादा है, इतना सर 15 भी लिखा हुआ है कुछ। ये आपका ना बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, ये आप कंफर्म कर लें, ये मुझे भूल गया, मुझे 20 आप कह रहे हैं, 10 वो कह रहे हैं, 15 पता नहीं कोई एक सही है, ये एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आप बता रहे हो ना मैट्रेस वाला, ये मैट्रेस वाला सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, मैट्रेस से कितना कंप्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, यू कैन नॉट से फॉर श्योर। ठीक है, तो आपने एक सारी चीजें अगर फेल हो रही हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास है स्पेसिफिकली, अगर स्पाइन सर्जरी हो रही है तो आपके पास एक ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हैं, अगर आप पेशेंट, यू आर लूजिंग द पेशेंट, क्या कर सकते हैं आप? सर वो यही है कि डायरेक्ट हार्ट को, वेरी गुड वेरी गुड, आप सर्जन से कहेंगे कि वो अंदर से हार्ट डाल के डायरेक्ट को हार्ट को कंप्रेस, हार्ट को डायरेक्ट कंप्रेस। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली अल्लाह किसी दुश्मन को भी बचाए, लेकिन आंसर इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव आंसर परफेक्टली। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है, इसीलिए आपने प्रोन पोजीशन के अंदर जहां पर आपको जो जो चीजों को जिस जगह पे प्लेस करना है, और आपको जहनी तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए, इसीलिए ट्यूब की फिक्सेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। इसीलिए वेकअप टेस्ट इज अ पैथेटिक टेस्ट। अब वेकअप टेस्ट अच्छे सेंटर्स में कहीं पर भी नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर इवोक पोटेंशियल्स मॉनिटर किए जाते हैं, जिसका मतलब लाइक है कि जो खतरनाक चीजें, मैं ये नहीं, चले मैं शायद स्टूपिड बहुत सख्त लफ्ज यूज कर दिया, लेकिन दिस इज अ रियलिटी कि आपके पास जब टेक्निकल पैरामीटर्स, साइंटिफिक पैरामीटर्स मौजूद हैं, तो आपको उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जहन में रखें, एक्चुअली दिस इज नॉट योर डोमेन, ये हमें कमेंट करना हमारा नहीं बनता, क्योंकि सर्जन अगर नहीं कंफर्टेबल, सर्जन कहता है कि नहीं जी मुझे तो फिर भी मरीज को कहना है ला के मुझे टक्कर मारोगे तो मुझे पता चलेगा, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं, आपने उसको उस चीज को मैनेज करना है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि एक खैर ऑफ टॉपिक हो गया है बात, ये स्कोलियोसिस सर्जरी के अंदर जितनी हमने डिस्कशन कर ली है, उसके बाद स्कोलियोसिस सर्जरी के अंदर एक दो बातें ही रह जाती हैं कि वो लंग कैसे मैच्योर होता है या नहीं होता, और उसमें आपने हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया देना होता है, उसके अंदर आई की प्रॉब्लम,
स्पाइन की, स्पाइनल कॉर्ड की इंटेग्रिटी और रीनल, उसके अलावा बाकी सारी चीजें प्रोन्स पोजीशन से ही रिलेटेड है। तो आपने ये चीज है, और एक और चीज ध्यान में रखें कि प्रोन पोजीशन में जब बाकी जितनी पोजीशनिंग है ना उसके अंदर आपके आर्म निकले हुए बाहर, ठीक है, लेकिन लैटरल में कुछ हद तक और प्रोन पोजीशन में बहुत ज्यादा। अगर आपकी, आपको आईवी लाइंस लेनी पड़ती हैं प्रोन पोजीशन में, आपको सेंट्रल लाइन लेनी पड़ती है, आपको आर्टेरियल लाइन लेनी पड़ती है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको डाउट है, इसलिए प्रोन पोजीशन की सर्जरीज के अंदर बेहतर है कि आप पहले अच्छी वाइड बोर्स कैनोलास मिलते हैं तो आप उनको सिक्योर करें, और इट इज प्रेफरेबल टू टेक आर्टेरियल लाइन प्रोन पोजीशन में, क्योंकि अगर इंट्रा ऑपरेटिवली कोई भी इंडिकेशन है तो अगर आपको उस टाइम पे उसको करना पड़ेगा तो आपके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी फॉर यू। इसमें सर ईसीजी इलेक्ट्रोड भी सुपाइन पीछे ही लगाए जाते हैं कमर पे? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको, मैं स्पेसिफिक एक एक चीज पे नहीं जाने की कर रहा, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि आपको हर पोजीशनिंग में आपको प्रॉपरली उससे एंटिसिपेट करना है, उसको उस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर वो मैंने देख लिया है, सर इन्होंने लिखा है कि इफ एंड टाइटल इज लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अटेम्प्ट टू इंप्रूव सीपीआर क्वालिटी, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 10 पर कार्डिक आउटपुट आपका एडिक्वेट है, ये देखना होता है, ये 10 ही है, ये 10 ही है, ठीक है, ये 10 ही है, ठीक है। अच्छा, दो जो मतलब लाइक ये के समझ आ गई ना बात, ये आपने, हमने तकरीबन ये सारी बातें कर ली हैं, आप सिर्फ रह गई है आई, ठीक है, आई के बारे में बताएं जी, आई की क्या चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग प्रोन पोजीशन? ड्राइनेस आपके लिड ओपन रह सकते हैं, जिस तरीके से ड्राइनेस होती है, सबसे पहले कॉर्नियल एब्रेशन। एक सेकंड देखें तैयबा, आपके आंसर को मैं आपके आपके लेवल के हिसाब से मैं गलत आंसर कंसीडर करूंगा, ये तो किसी पोजीशन में भी हो सकता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोन पोजीशन, तो प्रोन पोजीशन में क्या होगा सर? सबसे ज्यादा होगा डायरेक्ट जो प्रेशर इंजरी है ग्लोब की, और इनडायरेक्ट कैसे होगी उसकी? उसकी सर इनडायरेक्ट होगी जो ऑक्युलर ब्लड फ्लो है, जो इस्कीमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे आप प्रीएम्प्ट करेंगे इस्कीमिक प्रॉब्लम्स? सर अगर मेन आर्टेरियल प्रेशर बहुत कम है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है और मीन आर्टेरियल प्रेशर कम है, तो उससे परफ्यूजन जो है वो मुतासर होगी, अक्लूशन हो सकती है सर। हाँ जी, तो आपने ये ध्यान में रखना है, वीनस और आर्टेरियल, जब आप आई को प्रेस कर रहे हैं तो आप वहां पे वीनस प्रेशर भी बढ़ रहा है, और वहां पर जो है, और अगर साथ कंबाइन हो रहा है वो डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर से, तो एक्चुअली आप आंख को आप प्रोन टू इंजरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका है, तो आपने बेसिकली आर्टेरियल प्रेशर और जो आई का जो प्रेशर है ना, आई के जो डायनामिक्स हैं उनके साथ वो है, तो इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो होती है वो 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 होने के यही इसमें चांसेस होते हैं, ठीक है ना, कि अगर जो रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, और इन एडिशन टू दैट आपने जो ऑकुलर प्रेशर, जो ऑकुलर परफ्यून प्रेशर है ना, वो आपको बेसिकली प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए सर प्रोन पोजीशनिंग में समटाइम्स ब्लाइंडनेस भी होती है पेशेंट को? हाँ जी, वो ब्लाइंडनेस इस वजह से भी होती है, और ब्लरिंग, इस ब्लरिंग की क्या रीजन होती है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लरिंग की अक्सर औकात कंप्लेन करता है पेशेंट, वो ब्लरिंग की क्या रीजन होती है? और इन एडिशन टू एंगॉजमेंट, और ये वो होती है रिवर्सल एजेंट, अगर आपने एट्रोपिन यूज किया, अगर आपने ग्लाइकोपाइरोलेट नहीं यूज किया, आपने एट्रोपिन यूज किया ना, तो इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ, बिकॉज एट्रोपिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और इवन आईवी एट्रोपिन से ब्लरिंग हो सकती है, ठीक है, ये एक चीज है उसकी। तो ब्लाइंडनेस में एक ये भी फैक्टर होता है, दूसरे ब्लाइंडनेस के अंदर एक ध्यान में रखें, एक दवाई होती है जो अक्सर यूज की जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी दवाई होती है विच इज एसोसिएटेड विद पोस्ट ऑपरेटिव ब्लाइंडनेस? ग्लाइसिन जो यूज करते हैं ना टीआरपी के लिए। ओके, एक हो गई, और वो आप दवाई, बेसिकली दवाई नहीं है वो तो इरिगेशन फ्लूइड है, एक दवाई आप यूज करते हैं बहुत कॉमनली, अक्सर मरीजों में आप वो दे रहे होते हैं, एंड इट इज एसोसिएटेड विद पोस्ट ऑपरेटिव ब्लाइंडनेस। जी
एनीवन? चले मैं हिंट देता हूं कि ऐसी दवाई कि जो इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोसिस कर सकती है, या वो दवाई नहीं नहीं जो मतलब बेसिकली वो दवाई के जो उसको फिर यार मैं बता ही देता हूँ, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम को जो इफेक्ट, ट्रांसएनेमिक एसिड, ट्रांसएनेमिक एसिड, ट्रांसएनेमिक एसिड इज एसोसिएटेड विद इन पोस्ट ऑपरेटिव ब्लाइंडनेस, क्योंकि क्योंकि वो माइक्रोथ्रोम्बाई जो नॉर्मली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और आई की क्योंकि माइक्रोवैस्कुलेचर वैस्कुलेचर ज्यादा होता है, तो इट कैन कॉज दैट। तो मतलब इवन अगर कोई भी एम्बोलिक एनोमिना नॉट ओनली रिलेटेड टू मेडिसिन और नॉट रिलेटेड टू वैस्कुलर सिस्टम, अगर कहीं से भी कोई एम्बुलेंस चला गया, कोई पैरावैस्कुलर जो क्या उसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल जो एयर एम्बुलिज्म अगर हो गया, पैराडॉक्सिकल अगर जो एम्बोलिज्म कहीं पर भी हुआ है, चाहे वो लेफ्ट एट्रियल क्लॉट था वो पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म हुआ है, या एयर का पैराडॉक्सिकल एयर एम्बोलिज्म हो गया, तो इन सारी कंडीशन के अंदर इट इज वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ब्लाइंडनेस। ठीक है, हो सकता है अगर माइनर लेवल पे हुई हो तो और कोई चीज ना आ रही हो, आपको सिर्फ ब्लाइंडनेस आ रही हो और पता लगे असल में एक्चुअली रीजन ये थी, बाकी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं हुई लेकिन आई के अंदर सिग्निफिकेंट आ गए, तो इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव आई प्रॉब्लम्स। ठीक है, और पोस्ट ऑपरेटिव जरूरी नहीं है कि ब्लाइंडनेस हो, सिर्फ आपको विजुअल फील्ड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, आधी आंख से नजर आ रहा है आधी आंख से नजर नहीं आ रहा, तो वो उसका मतलब ये होता है कि रेटिना की प्रॉब्लम है। विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं आमतौर पर रेटिना की प्रॉब्लम से होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आपने डायरेक्ट प्रेशर को भी अवॉइड करना है, आपने परफ्यून प्रेशर को भी अवॉइड करना है, आपने ऐसे पेशेंट जो एट रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म है उनको भी चॉक आउट करना है, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इंट्राकार्डिक शंटिंग हो रही है और वो रिवर्स हो सकती है वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है, और उसके अलावा जो आपने तैयबा सबसे पहले बोला था एब्रेजन है और वो है, वो तो वैसे बेसिकली किसी भी पोजिशन में हो सकती है, उनको अवॉइड करना, आप उसके अंदर जो है वो आप जो है वो कोई लुब्रिकेंट आई के अंदर डाल सकते हैं आप उसके अंदर, ताकि वो ना हो, कोई पैराफिन आपने डाल दी, कोई ऐसी चीज आपने कर दी कि जिससे वो आई ड्राई ना हो। ठीक है, और कौन से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा होने का खतरा होता है, कोई कंडीशन होती है जिसमें आंख का मसला होता है? हाइपरथायराइड के सर, एक्सोथर्मस, ग्रेव डिजीज। ठीक है, और वो हर वो कंडीशन के जिसके अंदर रेटिनोपैथी हो रही है, चाहे वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, तो अब आपको समझ आई कितनी दुनिया वसी है और एनेस्थीजिया कितने मजे की चीज है। खुदा की कसम आई लव एनेस्थीजिया मोर देन आई यूज्ड टू लव यस्टरडे, एवरी डे आई लव एनेस्थीजिया मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आप अगर आप अपने अपनी स्पेशलिटी से मोहब्बत करेंगे ना, यकीन करें मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर आप एनेस्थीजिया को इबादत समझेंगे ना, तो मैं अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं कह रहा हूँ, तो ये भी चीज आपके लिए इबादत में लिखी जाएगी, क्योंकि अगर आपकी नीयत ये हो कि आपको आपके पास नॉलेज हो और आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करके पेशेंट केयर इंप्रूव कर रहे हैं, तो आई थिंक अल्लाह शायद हमारे पे रहम करे और इसको भी हमारी इबादत समझे। तो मैं तो साफ बात सर मैं ऐड करूंगा आपकी बात से कि वो मॉर्गन जिसे काफी लोग पसंद नहीं करते उसमें लिखा गया है कि 50% वर्ल्ड वाइड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम किया है एनेस्थीसिया ने। 50% इट्स अ ह्यूज नंबर। नहीं, वो असल में वो बेसिकली क्योंकि चक्कर ये है कि इसके अंदर वो नॉलेज है कि चाहे वो आप प्रेसेंटा प्रीविया में घुस गए, चाहे आपको ऑब्स्टेट्रिक चीजों के बारे में पढ़ना हो, चाहे आप आई के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप न्यूरो के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑर्थोपेडिक के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप स्किन के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप एंटीबायोटिक्स, यू नेम एनीथिंग। ठीक है, और तो और वो हो सकता है कि 12 घंटे की सर्जरी हुई है तो एक रेयर कॉम्प्लिकेशन, इसमें अभी मैं आर्टिकल खोला हुआ तो उसमें सामने लिखी नजर आ रही है एलोपेशिया। ठीक है, उस जगह पे नेक्रोसिस हुआ है तो उसकी वजह से एलोपेशिया पहले से हो रहा है, वो आपके गले में हो गया कि तुमने मेरे एनेस्थीसिया में, के बाद मुझे बाल गिरने शुरू हो गए, बाल उगने खत्म हो गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल, जाहिर बात है देखिए आप किताब पढ़ेंगे तो आपको इससे ज्यादा पता लग जाएगा। अच्छा, एक वैसे ही एक और चीज है कि एंटीसेप्सिस, एंटीसेप्टिक यूज होता है। ठीक है, तो कौन सा सबसे बेहतर होता है? अल्कोहल पेस्ट,
अल्कोहल बेस्ड, अल्कोहल तो नर्व इंजरी नहीं करता बहुत ज्यादा। फ्लोर एक्सिडेंट फॉर व्हाट पर्पस डिपेंड करता है, फॉर व्हाट पर्पस आप मतलब बेसिकली देखें आप एरिया में आप उसको एरिया को आप अगर क्लीन कर रहे हैं या आप आई को खुद क्लीन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज है जो लीस्ट टॉक्सिक है। अच्छा ये मुझे इसका जी फिर तो सेलाइन से कर लें, सेलाइन से कर लें, लेकिन बहरहाल ये मैं इसको मेरी प्रीवियस नॉलेज नहीं थी, ये मुझे आर्टिकल में लिखा हुआ नजर आ गया है। ओनली एंटीसेप्टिक स्किन प्रिपरेशन दैट इज नॉट टॉक्सिक टू कॉर्निया इज पॉवेडीन आयोडीन 10% एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ये इसको कंफर्म कर लीजिए आयोडीन, ये आय के लिए सिर्फ बता रहे हैं। जी जी ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रैक्टिकली सर कभी लगते हुए नहीं देखी आयोडीन आंख में आईओटी में, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ इस आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। जो चीजें मुझे 100% कंफर्म नहीं होती मैं कभी उसको क्लेम नहीं करता। ठीक है। अच्छा अब एक समय के लिए प्रोन पोजीशन को हटा के आई इंजरीज वैसे सोच लें, और कौन कौन से वक्त होते हैं जब आई को आप इंजर कर सकते हैं। पहली तो बात यह कि कौन से एज ग्रुप होगा, फिर कौन सी सर्जरीज होंगी, हमने डिजीजेज और वो सारी बात कर ली है। ठीक है। तो उसके अलावा कोई और एनेस्थीसिया के मैनूवर्स होते हैं जिनकी वजह से आई इंजरी कर सकते हैं सर? ये ईएनटी की कुछ सर्जरीज हैं जिसमें आपने दुराने सर्जरी, देखो सर्जरी को चेक करना, सर्जरी को एक मिनट हटा के आप देख लो कि आप क्या फेस मास्क रखते हैं उससे आई इंजरी नहीं कर सकते आप। आपके हाथों एक इवन मैं आपको बहुत अजीबोगरीब बात बताऊंगा, आपने लेरिंगोस्कोप हाथ से पकड़ा हुआ, आपके हाथ से लेरिंगोस्कोप छूटा और उसका ब्लेड सीधा जाके आई में लग गया, हो सकता है ना? बेसिकली आप क्योंकि आप उसके सर पे खड़े हैं ना, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आमतौर पे लोग लेरिंगोस्कोपी करने के बाद ट्यूब डालने के बाद आई को कवर करते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम आप आई को कवर कर लें। आप देखें कोई भी हमारा जो केयर होती है ना वो प्रोबेबिलिटीज पे होती है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ये है बेहतर है कि जब आप वेंटिलेट ही कर रहे हैं ना तो उसी वक्त आप आई को हल्की सी टेप लगा के उसको कवर कर दें ताकि आप उसको किसी व्हाटएवर प्रॉब्लम से बचा लें। ठीक है वो प्रॉब्लम। दूसरा सर टेक्निक्स को भी बेहतर करें, सब चीजें लैटरली लेके जाएं पेशेंट के rather than कि आप उसके सर के ऊपर से सामने ला रहे हैं। Exactly. मतलब बताने का मकसद ये है कि एनेस्थीसिया को इंडक्शन के वक्त भी आप आई को इंजरी कर सकते हैं। ठीक है तो ये उसकी एक मतलब तौजी है ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था। ठीक है। अच्छा उसके अलावा आई की कोई चीज रह गई है सर? कॉर्नियल एब्रेशन, कॉर्नियल एब्रेशन तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन ये कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जी सर, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो किसी पेशेंट को मुझे समझ, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस पता नहीं भाई मुझे इतनी मुश्किल चीजें नहीं आती, मैं सादा सा बंदा हूं। कॉर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में वीनस रिटर्न पर जाए सुबह तो नीचे पुलिंग होगी तो उसकी वजह से कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो सकती है। स्पेसिफिकली कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होती क्या है मुझे ये नहीं पता, ये आप जो बात कह रही हैं यही तो मुझे भी नहीं पता। चलिए थैंक यू वेरी मच, ये इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लेकिन पढ़ लें। देखो सर वो इसमें यही होगा ना कि कोई ऑप्टिक सेंटर्स की को परफ्यूजन खराब होती होगी, ये सर इनडायरेक्ट प्रेशर में आता है जिसमें हेड नेक चेस्ट एब्डोमिन एंड वेसल्स जो सप्लाई करते हैं लोअर एंड अपर लिम्स को उनकी बेसिकली जो प्रेशर इनडायरेक्ट उन पे पड़ रहा होता है ना उसकी वजह से कोई भी सेल कोई भी ऑर्गन जो है उसकी परफ्यूजन मुतासर होती है और ये इफेक्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा बहरहाल ये देखेंगे आई की तकरीबन हम लोगों ने चीजें कवर कर ली हैं। अच्छा अब ओवरऑल ना एक दो बातें मैं ज़हन में रखें कि कुछ चीजें जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं होती हैं पोजीशन से वो सर्जिकल एस्पेक्ट्स होते हैं लेकिन वो भी आपके उसमें डोमेन में आ जाते हैं, जैसे अगर कोई ऐसी सर्जरी हो रही है वो अब आप उसको एग्जेजरेट हो सकती है आपकी उससे लेकिन वो रिट्रैक्शन की वजह से हो रही है किसी और रीजन से हो रही है लेकिन वो अब आप पोजीशन से रिलेटेड में आप उसको डाल सकते हैं। जैसे अगर कोई भी और सर्जरी हो रही है एक्सेसिव रिट्रैक्शन की वजह से रीनल प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो बेसिकली सर्जिकल कंसर्न है ज्यादा, लेकिन बहरहाल आपको वो बात पता होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रोन पोजीशन के अंदर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन प्रोन पोजीशन इज एसोसिएटेड मोर ऑफ रीनल डिस्फंक्शन। ठीक है, आई का डिस्फंक्शन, सेरेब्रल
जो से ब्लड फ्लो है वो कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें सेरेब्रल ब्लड फ्लो के ऊपर नीचे हो रहा है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको इसलिए जहां पे भी आपको जहन में ये रखनी चाहिए कि हाइपोटेंशन से रिलेटेड भी, और वैसे भी आप उसको अगर सेरेब्रल ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने का कोई इनडायरेक्ट तरीका अगर आपके पास हो, चाहे वो बिस्क के जरिए हो, चाहे वो इवोक पोटेंशियल्स के जरिए हो, चाहे वो कोई भी आपका हो, तो आप उसको यूज करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको सेरेब्रल आपको सीएनएस के बारे में पता रहे, ठीक है। तो एनीथिंग एल्स लैटरल प्रोन। अच्छा, अब अगर हम इस डोमेन को थोड़ा सा बड़ा करें कि इंजरीज ड्यूरिंग, एक चीज मिस कर गए सर, जो कई पेशेंट्स को ये वुमन प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि जो फेस स्वेल कर जाता है। मैंने बताया फेस स्वेलिंग का बताया मैंने। मैंने कहा नहीं कि वो उनकी सारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा आपने बढ़ा दी। वो कह रही मैं तो अभी तो अभी ब्यूटी पार्लर से होके आई थी, आपने मेरी सारी मेहनत पैसे जाया करवा दिए आपने, ठीक है। और उसके अंदर ये जो हमारी फेस की स्वेलिंग है, क्या ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि आपको एयरवे एडिमा भी कितना बुरा हो सकता है इस पेशेंट में, कि एंगॉर्जमेंट ऑफ द फेस देख के? बिल्कुल हो सकती है। नहीं, ये कोई, देखो ये आपकी बात थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन वो असल में यहाँ पर फेस की ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली उसकी रीजन ये होती है, वो ब्लड सप्लाई का सारा चक्कर है। जहाँ पे जितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई नॉर्मली होगी, जब वो एंगॉर्जमेंट होगी तो वो गुस्से में भी देखें लाल पीला हो जाता है ना बंदा, वो तो प्रोन सुपाइन पोजीशन में खड़ा भी हुआ है तो वो इतना ज्यादा फेस में एंगॉर्जमेंट हो गई है, ठीक है। तो वो आपकी बात ठीक है टेक्निकली, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है कि आप इसको कैसे कोरिलेट करेंगे कि कितनी ज्यादा है तो कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ डायरेक्ट इफेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं, कुछ इमीडिएट इफेक्ट हैं, कुछ कॉम्बिनेशन के जरिए। अच्छा, अब एक रह गया है आपका बीच चेयर पोजीशन और वो रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या खास बातें होती हैं? सर, बीच चेयर में तो जैसे आपने कहा कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखना होता है कि टू मेंटेन द सेरेब्रल पेरिफेरल प्रेशर, रादर देन जो हम दूसरा वाला आप आर्म पे लगा के देख रहे हैं बीपी कफ, तो वो सर्कुलेट नहीं करता टुवर्ड्स द सेरेब्रल पेरिफेरल प्रेशर, तो ये आपने ध्यान रखना होगा। ये आपने जो बात बोली है ना, इसके अंदर और ये इसको जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो कहीं और की जाती है, कि अगर आप इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आपने मॉनिटर करना है तो उसको आप जो जीरोइंग करें वो एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस करें, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप आर्म पे बीपी कफ लगाएंगे तो आपने बीच चेयर में बिठाया होगा, तो क्या आपका जो मीन आर्टेरियल प्रेशर आपके आर्म पे दे रहा है, क्या वो इक्वल होगा सेरेब्रल पेरिफेरल प्रेशर? नहीं होगा, वो कम होगा। एग्जैक्टली नीचे वाला ज्यादा होगा ना, तो आप उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे होंगे, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा होगा। तो प्रेफरेबली यू शुड हैव एन ए लाइन जो कि आपको जीरो करे सर्कल ऑफ विलिस पे, जो कि आपको देगा सेरेब्रल पेरिफेरल प्रेशर, एक बात बीच चेयर की। दूसरी बात पोजीशन से रिलेटेड ये कि इसमें हाई इंसिडेंस ऑफ एयर एम्बोलिज्म होता है, बस ये दो बातें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। हाँ, एयर एम्बोलिज्म वैसे डिटेल का अलग टॉपिक है, मैं उसकी क्विकली समरी बता देता हूँ। एयर एम्बोलिज्म होगा तो आपको एंटाइडल CO2 सडन गायब हो गई, एंटाइडल नाइट्रोजन सडन बढ़ गई। आपका अगर टी मौजूद है तो आपको टी से पता चल जाएगा, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर वो है, वो बहुत कम ए से भी पता लग जाएगा MCQ में, कितना 0.1 ml per kg से ज्यादा कितना होता है सर? लेस देन 0.05 0.02 भी है कहीं, वो ml per kg के हिसाब से बता रहे हैं ना, लेस देन 0.05 ml। हाँ, ये दो तरह से है ना, एक ml per kg है, एक ओनली 1 ml है। हाँ, 0.1 ml per kg से ज्यादा होना तो वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिल्कुल। तो लेकिन ये जरूरी नहीं होता, ये कोई ये It is dependent on the rate, or it is dependent on any intracardiac problem, or it is dependent. ये को आप कोई भी predict नहीं कर सकता। छोटे बच्चों में जो smallest embolism है वो भी problem कर सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में आप देखें ना कि जिसमें जिसका वजन 2 kilo है तो उसके लिए तो 2 ml air कितनी ज्यादा है, या 1 ml भी कितनी ज्यादा है। तो इसलिए आपने ये जहन में रखना है बात, ठीक है। और बाकी इसकी मैनेजमेंट आपने वही हेड साइड डाउन किया, CVP के अगर आपके पास पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है, CVP है, तो आप उसको एस्पिरेट कर लेंगे, ठीक है। आप उस एरिया को इरिगेट करेंगे, हेड साइड डाउन करेंगे, बोन वैक्स लगाएंगे, सर्जन को आपने इन्फॉर्म किया 100% ऑक्सीजन,
और आपने जो है सेलाइन और आपने उसको एस्पिरेट करने की कोशिश करेंगे, प्लस आपका जो है वो होगा हीमोडायनामिक्स मेंटेन करें या तो फ्लूइड दे दें या फिर वैसोप्रेसिव आइनोट्रॉप्स दे दें। हाँ जी तो और रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में इफेक्ट रिवर्स हो जाएंगे सारे, ठीक है। आपका हीमोडायना आपकी हाइपोटेंशन हो सकती है क्योंकि वीनस रिटर्न कम होगा, ठीक है। और सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन, सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन इज अ बिग प्रॉब्लम ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिवली, स्ट्रोक के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, डिलीरियम के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है, डिलीरियम के चांसेस भी ज्यादा होंगे। फिर अच्छा, फिर अब अगर ओवरऑल अगर हम आप इस डोमेन को अगर अगर पोजीशनिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अगर जहन में आएंगी तो उनको भी हम दोबारा से देख लेते हैं। और एनेस्थीसिया के दरमियान में क्या क्या आप इंजरीज कर सकते हैं, आपने ज्वाइंट्स की बातें कर ली, आपने अब एयर वे से रिलेटेड देख लें, आपने इंट्यूबेशन लेरिंगोस्कोप घुसाते हुए डेंटल ट्रॉमा, डेंटल ट्रॉमा कर दिया आपने, ग्लूकोजा का ट्रॉमा कर दिया आपने, कोई भी इस किस्म की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सोर थ्रोट कर दिया, आपने कोई थ्रोट पैक रखा है, थ्रोट पैक की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो है वो एयरवे से हो गई, ब्लॉक करते हुए आपने कोई इमीडिएट आपने इंजरी कर दी, आपने कोई वेसल्स को डैमेज कर दिया, आपने कोई कुछ चीजें इमीडिएट होंगी, कुछ चीजें डिलेड होंगी, आपने गलत जगह पे चाहना था चीन पहुंच गया जापान, कहीं पर भी आपने कर दिया तो बेसिकली दैट इज इंजरी। आपने पीडीपी आपने ड्यूरा पंक्चर कर दिया, आपने इंटरस्कैलेनी ब्लॉक लगाते हुए आपने वो वर्टेब्रल आर्टरी में इंजेक्ट कर दिया, मतलब बेसिकली दीज आर द एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अनवांटेड और अनप्लेजेंट और इंजरीज कह लें आप उसको, किसी भी तरीके से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। आपने दांत तोड़ दिया, आपने तो आपने हम लोगों ने पेरिफेरल नर्व्स की बात कर ली, हमने एयरवे से रिलेटेड बात कर ली। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें एसोसिएटेड सर्जरी रिलेटेड होती है। मैंने कल जो टॉपिक चुना है ना वो आप लोगों को बहुत अजीब और गरीब लगेगा, वो हमारी होगा डिफरेंट सर्जरीज रिलेटेड एनेस्थीसिया प्रॉब्लम, डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ सर्जरीज है ना उनके अंदर एनेस्थीसिया की किस तरह मैनेजमेंट होती है वो हम बात करें, ठीक है। तो जो है ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सर्जरी से रिलेटेड होती हैं वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा और कोई पोजीशनिंग रिलेटेड कोई दिमाग में बात आ रही है आपके, तकरीबन हम लोगों ने सारी चीजें ही कवर कर ली, ठीक है। कोई और बंदा प्लीज कोई ऐड करना चाहता है तो बताए। जी अच्छा, मुझे बताएं कि जो नर्व इंजरी होती है वो नर्व इंजरी कैसे होती है, नर्व इंजरी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है? कंप्रेशन की वजह से हो सकती हैं, और दूसरा कंप्रेशन एक, दूसरा प्रेशर या उसकी जो नर्व सप्लाई है ना उसकी वजह से भी हो सकती है। नर्व सप्लाई नहीं, वास्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई। हाँ सर वही सर, अभी ऐसे ही होगा। और इसके अलावा पेशेंट एट रिस्क, इसके अलावा सर कुछ डिजीजेस हैं जैसे पेशेंट एट रिस्क, वही मैं कह रहा हूँ ना, पेशेंट एट रिस्क, स्ट्रेच हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, सीवियर कर दिया है, सर्जिकल इंजरी हो गई है, नर्व करते हुए आपने सर्जिकल मैनिपुलेशन, इंट्रा न्यूरल इंजेक्शन कर दिया है किसी, मतलब लाइक के तो है। तो नर्व इंजरी की कितनी टाइप्स होती है? एक न्यूरोप्रेक्सिया होता है, ठीक है। न्यूरोप्रेक्सिया में क्या होता है सर, मैं बताऊं? ये तो काफी सारी है, एलोडोनिया हो गया। नहीं, एलोडोनिया अलग चीज है भाई, वो तो पेन की प्रॉब्लम है, हम इस वक्त नर्व इंजरी की बात कर रहे हैं, हम लोग पेन की नहीं बात कर रहे। न्यूरोप्रेक्सिया होता है जिसमें माइलिन डैमेज होता है, सिर्फ माइलिन शीथ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक्सॉन को कुछ नहीं होता, उसको न्यूरोप्रेक्सिया कहते हैं। उससे बेसिकली जो है ना वो इम्पल्स कंडक्शन जो है ना वो स्लो हो जाती है,
या कर जाती है, तो ये बेसिकली रिकवर हो जाती है वीक और मंथ्स में, ये रिकवर हो सकती है। अगले स्टेप में आ गया, नाम से ही हो रहा है, वो न्यूरोप्रेक्सिया कह रहे हैं उसको, यहाँ पे एक्सोनामाटोसिस है। जो एक्सोनामाटोसिस है वो बेसिकली एक्सॉन की डिसरप्शन हो गई है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो रिकवरी होने के चांसेस होते भी हैं, और लेकिन ये है कि कम होते हैं इसके अंदर भी चांसेस। और जो तीसरा होता है न्यूरोमेटोसिस, वो नाम से ही पता रहा है, न्यूरो पूरी नर्व को ही हो गए, तो उसके अंदर उसके अंदर आपको नर्व आपको ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो न्यूरोमेटोसिस मैलिग्नेंसीज में होता है? नहीं नहीं, अगर आपने पूरी नर्व को काट दी, एक आपने आपने इंजेक्ट करते हुए आपने नर्व के अंदर घुसाया और आपने माइलिन शीथ को उसके डैमेज कर दिया, तो न्यूरोप्रेक्सिया हो जाएगा। यूजुअली सबसे ज्यादा कॉमन न्यूरोप्रेक्सिया होता है, ठीक है, इवन जो प्रेशर की वजह से भी होती है ना वो आमतौर पर न्यूरोप्रेक्सिया होता है। उसके अगले स्टेप है एक्सोनोमेटोसिस है, और ये एमसीक्यू में आता है भाई ये, और डॉक्टर शाइस्ता प्लीज चीज ये इस तरीके से पता होनी चाहिए, वो तो आप अगले स्टेप का पहले बता रही है, अगले स्टेप का पहले बता रही है। और ये बात हो गई, उसके बाद ये के डिफरेंट मतलब क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो उसके ऑनसेट सर है। कुछ डिजीजेस भी है ना जिनमें डीमाइलिनेशन होती है, वो अभी इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं या कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनमें प्रोन होता है। डायबिटीज हो गया, कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस हो गई, ठीक है, अल्कोहलिज्म हो गया, ठीक है, ओल्ड एज हो गया, ठीक है, उसके बाद मतलब जो हमारे रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं वो एक्सट्रीम ऑफ एजेस नहीं होंगी? जी जी एक्सट्रीम ऑफ एजेस के बच्चे और माय बेस्ट फ्रेंड है, माय बेस्ट फ्रेंड है, वो सारे प्रीडिस्पोज करेंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया कर दिया है, बहुत ज्यादा हाइपरथर्मिया कर दिया, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, हाइपोथर्मिया है, उसके अंदर ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसी में ही अगर हम डील करें डील के, आप कौन कौन से फैक्टर्स के जरिए नर्व इंजरी को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीजिया, स्पेसिफिकली चले आप कह लें रीजनल एनेस्थीजिया, क्या क्या आपके पास तरीके हैं? आप कोई रीजनल एनेस्थीजिया दे रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू मिनिमाइज द चांसेज ऑफ नर्व इंजरी, कोई ऐसा तरीका है जिससे नर्व इंजरी को 100% कह दें आपके नहीं होगी नर्व इंजरी, कोई ऐसा तरीका है? नहीं सर, ऐसा 100% तो 100% तो नहीं है। अब आपके पास कौन कौन से तरीके हैं सर? एक तो ये है कि टेक्निक इम्प्रूव की जाए, हाँ जी, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड और नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक्स के साथ, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, नर्व स्टिमुलेटर, लैंडमार्क्स, तीनों को आप कंबाइन अगर करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी 100% गारंटी नहीं है। लैंडमार्क्स को आप प्रॉपरली करें, प्रॉपर डेमोग्राफिक्स, सॉरी डेमोग्राफिक्स कह रहा हूँ, इसके लिए क्या लव्स यूज का, एर्गोनॉमिक्स, ब्लॉक एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, आपने अपने आप को मुश्किल में नहीं डाला, पता लगा आपका हाथ ही कांप रहा था, आपको नजर नहीं आ रहा था, पीछे मुड़ के देख रहे थे, पोजीशन पेशेंट की सही नहीं थी, तो आपने नर्व इंजरी कर दी, ठीक है, आपने ओरिएंटेशन सही नहीं की थी प्रोप की, आपने नर्व इंजरी कर दी, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर है, उसके लिए कहते हैं ब्लॉक एर्गोनॉमिक्स, ये जुमला याद कर लें, ब्लॉक एर्गोनॉमिक्स, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन ऑफ पेशेंट, प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, ट्रेन्ड असिस्टेंट, ठीक है, पता लगा आपने तो पकड़ के प्रोब बहुत अच्छी जगह पे करके कर लिया, वो आप उसको कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही, वो पकड़ के जोर से लगा रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद आप जो नीडल यूज कर रहे हैं वो कटिंग है या ब्लंट है, वो एक फैक्टर होगा। उसके बाद आप इसके लिए आइडियली एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है कि वो पता नहीं, अब ये भी रट्टे वाली चीज है इसलिए मुझे भूल जाती है, कितने प्रेशर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप चेक कर लीजिएगा, 15 होता है या पता नहीं 20 होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ये आप ये पॉइंट चेक कर लीजिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने प्रेशर से ज्यादा अगर होगा तो नर्व इंजरी के चांसेस होंगे, ठीक है, कितने प्रेशर से ज्यादा होगा तो नर्व इंजरी के चांसेस होंगे, वो हो गया। उसके बाद आपने स्मॉल साइज की कोशिश करें नीडल्स यूज करें, आप 50 सीसी की सिरिंज से ना देना शुरू कर दें, इवन 20 सीसी की सिरिंज भी इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये, क्या चक्कर होता है ये, क्यों मैं कह रहा हूँ 20 सीसी की सिरिंज से इंजरी और इसका इससे क्या ताल्लुक है भाई, आपने दवाई इंजेक्ट करनी है, तो 20 सीसी वर्सेज 10 सीसी वर्सेज 5 सीसी वर्सेज 3 सीसी क्या वजह क्या है?
प्रेशर ज्यादा होगा ना? क्यों ज्यादा होगा सर? आपका पिस्टन जो है ना कंप्रेसिटी एरिया ज्यादा वो कर रहा है, प्रेशर कर रहा है उससे। हाँ जी, उसके लिए जुमला आप करीब आ गए, लेकिन सही जुमला अभी सर नहीं। आप अगर बिगर बोर लेंगे तो प्रेशर कम फील होगा आपको? नहीं, फील नहीं होगा। नहीं, ये आप ये नॉन टेक्निकल जुमला बोल रहे हैं। टेक्निकल जुमला ये है जो करीब पहुंच गया, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो छोटी सिरिंज होगी उसमें प्रेशर कम देना पड़ेगा, जो बड़ी सिरिंज होगी रिलेटिवली उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टू जनरेट द सेम प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसकी रीजन होती है। ठीक है, तो हमने अल्ट्रासाउंड की बात कर ली, हमने नर्व स्टिमुलेटर की बात कर ली, हमने उसके अंदर प्रेशर को एम्पेयर को कितने एम्पेयर से शुरू किया, 2 से शुरू किया, आप कम कर गए 0.6 तक, 0.5 तक आ रहा है तो ठीक है, अगर 0.3 पे भी आ रहा है इसका मतलब है नर्व के अंदर है, ये कॉमन चीज है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड में आपने बेहतरीन प्रोब यूज किया, आपने बेहतरीन एंगल यूज किया, आपने बेहतरीन यूज किया, आपने इनलाइन टेक्निक यूज की, इनलाइन बेटर देन आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन इज बेटर देन आउट ऑफ प्लेन। उसके बाद आपने जो है वो जो नर्व ब्लॉक आप लगा रहे हैं उस हिसाब से आपने प्रोब को सिलेक्ट किया। आपका अगर सुपर शेयर ब्लॉक है तो आप उसके अंदर स्ट्रेट प्रोब यूज करें हाई फ्रीक्वेंसी, अगर आपका डीप ब्लॉक है तो आप उसके अंदर कर्व प्रोब यूज करें लो फ्रीक्वेंसी, ये इस तरीके की ये चीजें। और उसके बाद जो हमने बता दिया है कि डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है, कंप्रेशन हो सकती है, स्कीमिया हो सकती है, अच्छा जो सॉल्यूशंस आप इंजेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो आप ये बेसिकली ये जितने नाम यूज करते हैं ना प्रिजर्वेटिव फ्री और प्रिजर्वेटिव नॉन फ्री, तो वो बेसिकली प्रिजर्वेटिव फ्री जो होते हैं उनकी वजह, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं उनकी वजह से नर्व इंजरी हो सकती है। फिर उसके बाद आपने किस जगह पे इंजेक्ट किया है, वो इंट्रान्यूरल कर दिया है या आपने, तो ये बेसिकली उसकी रीजन होती है। ठीक है, उसके बाद आपने और आपने रिवर्सिबल फैक्टर्स को अवॉइड कर लिया, पोजीशन की हमने बात कर ली, प्रॉपर पैडिंग की है आपने, प्रॉपर आपने जिस पोजीशन में या जिस ब्लॉक के अंदर जो नर्व की इंजरी होने के चांसेस हैं आप उसको अवॉइड करें, आप उसके अंदर जो है वो करें, जैसे रेडियल नर्व जो है वो ह्यूमरस बैक साइड की ह्यूमरस से गुजर रही है तो वहां पे आप प्रेशर ना होने दें, अल्नर नर्व जो है वो आपका एल्बो के पास है तो आप उस जगह को पैड कर लें। ठीक है, कॉमन पेरिनियल है वो आपके फिब्युलर हेड के पास कर रही है तो आप उस जगह को पैड कर लें। आपने ब्रेकियल के पीछे से गुजरती है, आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस को करने का है तो आपने उस हिसाब से कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको फर्स्ट चॉइस नर्व, सेकंड चॉइस नर्व आपको पता होनी चाहिए ऐसे पेशेंट। हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने प्री ऑपरेटिव उसका अगर कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आपको पता है कि ये रिस्क पे है तो आप उसके अंदर पहले उसको डॉक्यूमेंट करें, अगर उसके अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग चीज है तो आप उसको करें। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये कई दफा वो सवाल के जो आपको फेस करना पड़ता है ना वो आप उसका आंसर बहुत अच्छा देते हैं। ये मेरा खुरम से क्वेश्चन है। खुरम, एक पेशेंट को एक नर्व आपने लगाया था, उसको फ्रैक्चर था ह्यूमरस का, आपने उसको सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक लगाया था। ठीक है, अब आपने उसको पोस्ट ऑपरेटिवली उसको रिस्ट ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये आपके सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक से हुआ है या ये सर्जरी रिलेटेड हुआ है, कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर, ये एक तो सर जो सर्जिकल मैनिपुलेशन से होगा ना उसको उसको और भी उसको साथ और भी कोई सिम्टम्स होंगी। आप उसको ना, आप इस क्वेश्चन को अभी पिक नहीं कर रहे, अभी मैंने आपको बताया कि आपने प्री ऑपरेटिवली डॉक्यूमेंट नहीं करना, आपने उसकी प्री ऑपरेटिव नहीं देखनी, पता लगे उसकी पहले इन्वॉल्वमेंट थी तो आप डॉक्यूमेंट करेंगे भाई ये है, और ऐसे पेशेंट में आप अवॉइड करें, पहली तो बात ये होगी। ठीक है सर, सॉरी बिजली चली गई थी तो मैं वाईफाई से अभी दूसरे, मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले डॉक्यूमेंट करें, आप पहले डॉक्यूमेंट कर दें, अगर उसकी सर्जिकल मैनिपुलेशन से नहीं होगी, उसका ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है ना तो ह्यूमरस के शाफ्ट के फ्रैक्चर के अंदर रेडियल नर्व इन्वॉल्वमेंट वैसे ही हो सकती है। ठीक है, और एक तो बात ये हो गई कि आपने प्री ऑपरेटिवली उसका डॉक्यूमेंट प्री ऑपरेटिवली देखा है कि भाई उसका हाथ हिल रहा है, पता लगे पहले नहीं उसका हिल रहा था तो वो तो आपका कसूर नहीं है ना। ठीक है, एक तो बात ये हो गई,
दूसरी बात यह कि आप अवॉइड करें ऐसे पेशेंट में ब्लॉक लगाना, और आंसर इसका है MRI. ये MRI से पता चलेगा और नर्व कंडक्शन स्टडी से पता चलेगा. MRI में अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी होगी तो वो आपको MRI के अंदर पता चल जाएगी, अगर वो ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने डैमेज किया है. और अगर वो नर्व की इंजरी होगी तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के पास कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही होगी, वो पेरिफेरली जो है वो नर्व में प्रॉब्लम नजर आ रही होगी. ठीक है, ये MRI में इसका आंसर, आंसर इज MRI और नर्व कंडक्शन. सर कितनी देर के बाद, सर हमें कितनी देर के बाद इंटरवीन करना चाहिए और ये टेस्ट करा लेना चाहिए हमें? देखो अगर जो नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा, देखो इसका भी ना एग्जैक्ट आंसर नहीं है. ठीक है, आप हफ्ता इंतजार कर लेंगे, 1 to 2 weeks आप इंतजार कर सकते हैं. लोकल के इफेक्ट को वेयर ऑफ होके फिर देख लेते हैं ना, तो देखो 2 to 3 days तक तो इफेक्ट रह सकता है. मैंने खुद पर्सनली फील किया है, मैंने फेस किया है, और अगले दिन तक मैं I had just started giving blocks. एक पेशेंट को मैंने ब्लॉक लगाया और उसको साथ मैंने डेक्सामेथासोन ऐड किया था. एक्चुअली डेक्सामेथासोन इज अ कल्प्रेट फॉर, कल्प्रेट तो नहीं कहेंगे, उस पेशेंट में वो शायद कल्प्रेट था. डेक्सामेथासोन प्रोलॉन्ग्स द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, तो वो शायद ब्लॉक को जरूरत से ज्यादा ही अच्छा हो गया. अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मुझे नर्स का फोन आया कि पेशेंट अपना बाजू नहीं हिला रहा. तो मेरी तो जान निकल गई कि अब पता नहीं क्या हो गया है. तो मैं, लेकिन वो बेसिकली वो ब्लॉक का इफेक्ट था और वो वियर ऑफ हो गया. नेक्स्ट 12 hours में वियर ऑफ हो गया. ठीक है, तो आपने, लेकिन इसीलिए आपने पेशेंट को, आपने पहले से बताना होता है पेशेंट को, आपको पहले से आपको एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है ना, तो ये चीज है. अच्छा, ये नर्व इंजरीज के बारे में कुछ बात हो गई, पोजीशन से रिलेटेड बात हो गई, बाकी हम लोगों ने जेनिटेलियाज और ये सारी मैं नजर मार रहा हूँ आर्टिकल्स पे भी थोड़ा थोड़ा. तो आप लोग को ये टॉपिक का हुआ है. अच्छा, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अंडर एनेस्थीसिया होती हैं, वो भी हम इन्हीं के साथ ही कर लेते हैं. रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपने कैसे प्रिवेंट करनी है. आप एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनाएं, डॉक्टर्स बनाएं, डबल चेक करें, प्रॉपर लेबलिंग की भी हो, प्रॉपर कंसल्टेशन की हो, कोशिश करें कि ये डिपार्टमेंट का एक प्रोटोकॉल हो कि हर एक स्पेसिफिक सिरिंजेस साइज, 5 cc की सिरिंज है तो स्पेसिफिक के लिए हो, 10 cc स्पेसिफिक के लिए हो, उसकी स्पेसिफिक लेबलिंग हो, कलर कोडेड. ये आपको पता है टोक्स में आ सकता है, टोक्स में आ सकता है, कलर कोडिंग होती है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होती है जी, स्पेसिफिक होती है. जैसे रेड कलर होता है मसल रिलैक्सेंट्स के, एट्राक्यूरियम जी रिलैक्सेंट्स. ठीक है, तो ये आपको कलर कोडिंग होती है, स्पेसिफिक सिरिंजेस होती हैं, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, प्रॉपरली आप लेबल करें, डबल चेक करें. ठीक है, तो ये कोई दुनिया का एनेस्थेटिस्ट अगर ये कहे कि मैंने कभी गलत दवाई दी नहीं, वो झूठ बोल रहा है. ठीक है, ये मैं नहीं मानता कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसने गलत दवाई कभी नहीं दी हो. ठीक है, और आई विश के किसी का भी कॉन्सिक्वेंस बुरा ना हो, लेकिन इट इज पॉसिबल. मैंने हाउस जॉब में बेप्रिकेन इंजेक्शन आईवी दिया हुआ है. अब आप कहेंगे कि अब डॉक्टर ईशान आपने ये क्या किया था. वैसे बाय द वे ड्यूपेकेन एसपी अगर आप आईवी दे दें तो क्या होगा? कार्डियोटॉक्सिसिटी. आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ड्यूपेकेन एसपी आपने 15 मिलीग्राम आईवी दे दी है, ड्यूपेकेन एसपी है वो, हाइपरबैरिक है, कुछ होगा क्या होगा? सर लोकल लोकल कोई सर कार्डियोटॉक्सिक है ये, तो अरेस्ट में चला जाएगा. हाँ, 15 मिलीग्राम से अरेस्ट में चला जाएगा. ठीक है, एक पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि नॉर्मली जो आप इंजेक्ट करते हैं किसी भी जगह पे ड्यूपेकेन, तैयबा आपने जवाब देना है, वो कहाँ जाता है? जी सर, वो कहाँ जाता है? आपने इंजेक्ट किया किसी भी जगह पे, उसका क्या फेट होगा? वही रहेगा सर, एट द एंड एब्जॉर्ब होके तो ब्लड में जाएगा, आखिर ब्लड में जाके कहाँ जाएगा? डिग्रेड होने के लिए कहाँ जाएगा? लिवर में चला जाएगा, मेटाबोलाइज होने के लिए लिवर में चला जाएगा. अगर आपने एक जगह पे, जब आप ब्रेकियल प्लेक्सिस में आप तकरीबन 20 ml देते हैं ना, 0.5%, तो उसके अंदर टोटल आपने कितनी डोज दी है? 20 ml 0.5% मींस कितने मिलीग्राम आपने दिए? 100 mg. वेरी गुड, तो आप 2 mg/kg उसकी डोज है. ठीक है, तो अगले 15-20 मिनट में उसकी एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी जी. तो कितनी तक उसकी 10% 5% कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होगा?
होगा ना आईवी से तो जी आईवी से कम होगा लेकिन आईवी से तो बहुत ही कम होगा। आंसर इस सवाल का भी दे दें कि जब आप दवाई देते हैं तो जो है वो कौन सा ब्लॉक जो होता है सबसे ज्यादा नोटोरियस है आफ्टर आई सबसे ज्यादा तो फिर आईवी बायर्स ब्लॉक ही लगा लेना बायर्स पहले तो बायर्स ही है मेरे 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 एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के पाकिस्तान के लोगों खुदा के लिए बायर्स ब्लॉक का पीछा छोड़ दो कहीं दुनिया में बायर्स ब्लॉक का कोई नाम नहीं ले रहा लेकिन मेरे पाकिस्तान के मुजाहिदीन जो हैं वो बायर्स ब्लॉक का पीछा नहीं छोड़ रहे चलो खैर एनीवेज बायर्स ब्लॉक हो गया और चलें उसके बाद ट्रैकियल हैं जी ट्रैकियल ओके और अगर आपने दिया है इंटरकोस्टल नहीं होता इंटरकोस्टल उसके बाद इंटरकोस्टल जी ठीक है ट्रैकियल हो गया इंटरकोस्टल ट्रिकोडल ट्रिकोडल एपिड्यूरल हैं कॉर्डल आता है फिर एपिड्यूरल और फिर पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हां तो बताने का मकसद ये है कि 15 मिलीग्राम इज नॉट टू हाई डोज ठीक है तो बेसिकली और दूसरी बात ये होती है कि वो हाइपरबैरिक होता है तो ये हाइपरबैरिक जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो रिलेटिवली आइसोबैरिक अगर 15 मिलीग्राम देंगे ना तो उसका इफेक्ट ज्यादा खतरनाक होगा एज कम्पेयर टू हाइपर ब्लड में बैरिसिटी क्या करेगी वो तो सी एस एफ से रिलेटेड ब्लड में बैरिसिटी का क्या मसला होगा आपकी बात सही है मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ लेकिन बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है ना एब्जॉर्प्शन जो है ना वो रिलेटिवली कम होगी ठीक है अगर मैं अगर कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें प्लीज बैरिसिटी का आपका मतलब ये है कि हाइपरबैरिक हो या आइसोबैरिक हो से फर्क नहीं पड़ता जी जी तैयबा आपका आप म्यूट हो गई हैं तैयबा जी सर सॉरी सर मैं आपको ये कह रही थी कि अक्सर मैंने एक दफा डिपार्टमेंट में भी देखा था अपने के सारी रात उसको आईवी बीपी वकेन जो कि एपिड्यूरल में जानी थी वो आईवी चलती रही है और पेशेंट वाज परफेक्टली फाइन सुबह के टाइम उसको कुछ भी नहीं हुआ था तो कार्डियोटॉक्सिक तो हाँ ये है बुक्स में नो डाउट इसीलिए हम इसको आईवी बायर्स ब्लॉक में भी यूज नहीं करते लेकिन हाँ डोज डिपेंडेंट भी जरूर होता होगा आपकी डोज डिपेंडेंट होता है क्योंकि एक्चुअली ये टॉक्सिक लेवल्स होते हैं ठीक है एक्चुअली ये ब्लड के अंदर टॉक्सिक लेवल जो अचीव होते हैं ना दैट मैटर्स वो तो सर हमारे आईवी दूसरी तरह देने से भी लोकल एनेस्थेटिक जैसे लास्ट हो जाता है तो उसका भी तो फिनोमेना यही होता ना आपने डोज ज्यादा दे दी होती है तो वो ब्लड में ही जाती एग्जैक्टली जो एब्जॉर्प्शन देखें आपने आईवी नहीं दिया होता आपने लोकल नहीं दिया बिल्कुल लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन तो एक्चुअली वो तो मैं आई वॉज अ बेबी मेरी एक महीने का मेरा हाउस जॉब एक महीने की मेरी हाउस जॉब हुई थी तो वो मैंने सिर्फ ब्यूपी के एनएसपी देखा था वो कहीं बाहर से इंजेक्शन आया वो था एबोकेन स्पाइनल वो मेरे फरिश्तों ने कभी देखा ही नहीं था और वो एबोकेन स्पाइनल और उसी के साथ रेनिटिडीन और उसी के साथ मेटोकोल्फरमाइड वो तीनों इंजेक्शंस बिल्कुल अलाइक थे तो गलती से मैंने वो दो इंजेक्शन तोड़े और अपनी तरफ से मैंने मेटोकोल्फरमाइड और रेनिटिडीन दे दिया जब मैंने दे दिया तो उसके बाद मैं अब मैंने देखा कि मैंने तीसरा एक इंजेक्शन देखा तो वो रेनिटिडीन था मैंने कहा कि यार मैंने रेनिटिडीन नहीं दिया तो मैंने दिया क्या है जब मैंने देखा तो वो दैट वॉज एबोकेन स्पाइनल तो मेरी तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई वो मेरी उस वक्त भी इतनी रिफ्लेक्सेस मेरे एक महीने में बन चुके थे कि मैंने क्या मैं आई वाज अलोन इन द रूम वहाँ पाकिस्तान के पंजाब के किसी एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को आप इमेजिन करें तो वो उसके अंदर मैं आई जस्ट गेव मेरे दिमाग में यही आया कि अब ये ना उसको ना कार्डिक अरेस्ट हो सकता है या ब्रैडीकार्डिया हो सकता है मैंने उसको ना एट्रोपिन दे दिया मैंने उसको एट्रोपिन दिया और दे के मैं बाहर गया और मैं जाके अपने मेडिकल ऑफिसर को बुला के पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं ना खामोशी से बाहर चला जाऊँ मुझे तो पता ही नहीं है लेकिन मैंने कहा नहीं पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा मरीज के साथ तो मैंने अपने आप को कंपोज किया मैंने कहा जो भी होगा अल्लाह मालिक है देखी जाएगी मैंने सबसे पहले सिर्फ एक मैंने काम कर दिया मैंने एविडेंस गायब कर दिया मैंने वो एम्पूल जेब में रख लिया ये ताकि वो बात जिसको मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस और क्रेडिट जाता है मैं आज तक उन अपने मेडिकल ऑफिसर्स को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं होने दिया हो सकता है मेरा कैरियर ही ख़त्म हो जाता एनेस्थीसिया का अगर वो मुझे एम्बेरस करते अगर वो मुझे जलील करते अगर वो इस बात को इशू बनाते क्योंकि जिम्मेदारी एक्चुअली उनकी भी थी क्योंकि उन्होंने मुझे क्यों अकेले खड़ा किया था तो शायद उन्होंने अपने आप को बचाया था लेकिन एक्चुअली उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आए उन्होंने पेशेंट हम लोगों ने वो तीन लोगों वो दो एमओ और एक मैं हम तीन लोगों के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी
हम लोगों ने उसको एट्रोपिन दिया, हम लोगों ने उसको ऑक्सीजन लगाई एंड दी लेरिंगोस्कोप एंडोट्रेकियल ट्यूब रेडी रखी हम लोगों ने। वैसे ही हमने अब सर्जन को क्या बताना है, हम लोगों ने सर्जन को कहा कि हम पेशेंट को प्रीलोड कर रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ, 10-15 मिनट हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और कैन यू बिलीव दिस कि उन्होंने मुझे उन्होंने जो है वो मुझे खुद कहा कि आप इसको स्पाइनल लगाओ, ठीक है। मैंने इस पेशेंट को स्पाइनल लगाया, वो अलहदा बात है कि मैं सारी रात नहीं सो सका टेंशन के मारे, और मैं सारी रात उस मरीज के बारे में सोचता रहा और सुबह में जाके वार्ड में उसको देख कर आया। और तो मतलब बताने का मकसद ये है कि कुछ एनेस्थीजिया पैनिक ये दो चीज़ें जो है ना एक साथ नहीं चल सकती, तो मतलब बेसिकली ये है। तो इन और इन एडवर्टेंट दवाई का मकसद बताने का ये टॉपिक वहाँ से था, मैं सॉरी 2 मिनट के लिए डिट्रैक हो गया, लेकिन एक जहन में रखें बात कि अपने होश हवास को काबू में रखना चाहिए। कभी भी इस किस्म की हो जाए गलती तो आपको नेक्स्ट स्टेप सोचने चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपने उसको टैकल क्या करना है। ये कॉमन बहुत सारी सिनेरियोज होते हैं, गलत दवाई दे दी, गलत डोज दे दी, गलत कॉन्सेंट्रेशन दे दी, फिनाइल एफरीन ये 10 मिलीग्राम का एम्प्यूल आता है और उसको आपने पहले 1 में बनाया फिर उसको, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको बड़ी प्रिपरेशन में बनाएं। आप इवन आप 500 ml के अंदर बना लेना तो वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी ऐसी होगी कि गलती से अगर ज़्यादा भी कोई दे देता है ना तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर 1 मिलीग्राम के बजाय आपने 100 माइक्स के बजाय आपने गलती से 1 मिलीग्राम को लेबल कर दिया 100 माइक्स तो आपने तो तबाही कर दी ना, 1 मिलीग्राम आपने उसको दे दिया तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस, ठीक है। तो एक तो बात ये जो जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा डायल्यूट करके देंगे ना उतना एडवांटेज है, क्योंकि कम को आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा को आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल, ये मैं फिनाइल एफरीन के रेफरेंस से बता रहा हूँ। कोशिश लोगों की प्रैक्टिस ये है कि वो 100 माइक्स देते हैं, 100 माइक्स इज डेंजरस, आप 10 माइक्स दें, 10 माइक्स देंगे तो 10 माइक्स को आप 20 कर सकते हैं, 20 को 30 कर सकते हैं, 30 को 40 कर सकते हैं, लेकिन 100 माइक्स को आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव स्मॉलर डोज, ठीक है। उसके बाद सर 40 माइक नहीं है इसकी डोज नहीं है, आप इसकी डोज बताने लगे जो इस तरह के प्रेशर और आयन कोई डोज नहीं होती, इनका डोज रिस्पांस होता है, ठीक है। आप टाइट्रेटेड जहां पे भी होता है वो टाइट्रेटेड डोजेस होती है और बोलस होता है। आप 10 दें, 10 का इफेक्ट देखें, 10 फिर 10 दें, फिर 10 दें, फिर 10 दें, आप यू हैव योर टाइम, आप उसको उसका इफेक्ट देख सकते हैं ना, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा दी ना तो आप उसको निकाल नहीं सकते। आपने 10 दे के आपने इफेक्ट देखा, एक मिनट बेशक आप 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं, आपने उसके बाद 10 दिया, फिर उसके बाद आपने 10 दिया, इसकी कोई डोज नहीं है। ये वेजोप्रेसर्स की और आइनोट्रोप्स की कोई डोज नहीं होती प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको उसको टाइट्रेटेड डोजेज में देना पड़ता है। तो आप बिल्ट अप करते हैं, सेफ बोलस यस लिखा होगा आपको, 50 भी लिखा होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर आप 10 देते हैं ना तो 10 के बाद आपके पास मार्जिन है। फिनाइल एफरीन कैन कॉज सडन ब्रैडीकार्डिया, तो इसलिए फिनाइल एफरीन इज नॉट अ वेरी सेफ मेडिसिन इन द सेंस कि इट कैन कॉज ब्रैडीकार्डिया। इसलिए जब भी फिनाइल एफरीन दें तो आपके पास ग्लाइकोपायरोलेट या एट्रोपिन होनी चाहिए, और पाकिस्तान के सेटअप में जहाँ पे आपके पास एफिड्रीन अवेलेबल नहीं होती, आप फिनाइल एफरीन जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे मेरी आपसे लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपके पास ये एट्रोपिन, ग्लाइकोपायरोलेट और इवन एपिनेफ्रीन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसका ब्लड हार्ट रेट कम है ना, तो आप उसको बैकग्राउंड में आप उसको थोड़ा सा ग्लाइकोपायरोलेट पहले ही दे दें, ब्लड प्रेशर तो उसका ऑलरेडी फॉल कर रहा है ना, तो अगर हार्ट रेट अगर उसका कम है फॉर एनी गुड रीजन तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू गिव ग्लाइकोपायरोलेट। अगर उसका इवन 70 का हार्ट रेट है ना, तो जब आप उसको अगर आप उसको थोड़ी सी दे देते हैं ना ग्लाइकोपायरोलेट, तो उससे 70 से उसका हार्ट रेट 80-85 तक चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप फिनाइल एफरीन देंगे ना, तो वो उसके इफेक्ट को टाइट्रेट करके हो सकता है उसका हार्ट रेट मेंटेन रहे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये शायद हो सकता है किताबों की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली दैट इज़ द वे, ठीक है। तो इन एडवर्टेंट हो गई। अब एक आखिरी बात हम करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वो है इंट्रा आर्टीरियल, ठीक है। इंट्रा आर्टीरियल आपने इंजेक्शन दे दिया तो आप क्या करेंगे जी? Sir, again, depending on the dose and type of the medication, आप observe करेंगे patient को, और अगर उसका अगर कुछ ऐसी medicines हैं जिनका immediate क्या हो सकता है, immediate वहाँ पर क्या हो सकता है? Sir, patient को pain होगा, collapse ही हो सकता है। Oh, sorry, ये जी असर क्या बता रहे थे आप?
सर पेशेंट को पेन होगा, अपना नेक्रोटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, और उसमें जो ना हमने आईवी जो है ना उधर ही जो आईवी कैनुला इंट्रा आर्टेरियल जो हो गया है वो उधर ही रखना है। एक मिनट, पहले मैं आपका जुमला आपका करेक्ट कर दूं, नेक्रोटिक से पहले आप थ्रोम्बोटिक बोल दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया सर, पेन एंड थ्रोम्बोसिस होगा ना, तो आप उसको कैनुला को छोड़ दिया, फिर क्या किया आपने? सर उधर प्रोबेबली पेपावरिन जो है ना दवाई देनी होती है, पेपावरिन से पहले आपने कैनुला कैनुला छोड़ के आप उसमें फ्लूइड देंगे, ठीक है, फ्लूइड देंगे, अगले स्टेप में आप उसको पेपावरिन देंगे, अगले स्टेप में आप उसको कोई सिंपैथेटिक ब्लॉक लगाएंगे, जैसे अगर अपर लिम में है तो कौन सा ब्लॉक लगा सकते हैं? अजहर भाई ये आपका सवाल है, एमसीक्यू का सवाल है ये। जी स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक लगेगा ना? थैंक यू, स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक, ठीक है। अच्छा तो ये इसका है आंसर, पेपावरिन क्या होता है? मोटा मोटा यही पता है, वैसोडायलेटर डायरेक्ट, ये मोटा मोटा भी यही है और छोटा छोटा भी यही है, ठीक है, ये बात यही है इसकी, डायरेक्ट वैसोडायलेटर होता है ये, लोकल वैसोडायलेटेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गई बात, और कुछ और एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इसी से ही इनएडवर्टेंट जो है ना वो आपकी अवेयरनेस को आप कैसे करेंगे, अवेयरनेस किन पेशेंट्स में हो सकती है, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? रियली अवेयरनेस जो है ना वो गायनी या इमरजेंसी सर्जरीज में होती है, और ओपीआइड बेस्ड एनेस्थीसिया, गायनी इमरजेंसी के अलावा आप ये बोल दें कि ट्रॉमा जिसमें हाइपोवोलेमिया है, हाइपोटेंशन है, शॉक में है पेशेंट, जिसमें आप एनेस्थेटिक एजेंट्स या आप ऐसा एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको जो है ना वो कम, मतलब लाइक ये यू आर अनेबल टू मेंटेन द वाइटल्स, सॉरी यू आर अनेबल टू मेंटेन द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द वाइटल्स, ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा एक फैक्टर होता है मसल रिलैक्सेंट, जब आप मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो अवेयरनेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जब आपने मरीज को अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि मरीज इज नॉट अनेबल टू मूव, क्योंकि अगर पेशेंट मूव करने वाला होगा तो वो मूव कर लेगा तो आपको पता चल जाएगा, तो आपने मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है और साथ आपने उसको एडिक्वेट आपने हिप्नोसिस नहीं दिया हुआ। एनेस्थीसिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ एमनीजिया, हिप्नोसिस, मसल रिलैक्सेशन एंड एनल्जीजिया, ठीक है, तो आपने उसको एनल्जीजिया दे दिया है, आपने उसको मसल रिलैक्सेशन दे दिया है, आपने उसको हिप्नोसिस नहीं दिया या एमनीजिया नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो अवेयरनेस दो तरह की होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है, वो एक में जो है वो आधा रिकॉल होता है और एक में पूरा रिकॉल होता है, ठीक है, जो आधा रिकॉल होता है वो गजनी फिनोमेना होता है, आधी बात उसको याद होती है, आधी बात के लिए वो बेचारा परेशान होता है, इसलिए उसमें साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिकली पेशेंट ज़्यादा डिप्रेस होता है इम्प्लिसिट मेमोरी में, ठीक है। और उसके बाद जो है अवेयरनेस को आप करने के क्या क्या तरीके हैं, आपने मैक की मॉनिटरिंग की, एजेंट एनालाइजर आपके पास होना चाहिए, मिडाजोलैम इज अ वेरी वेरी वंडरफुल मेडिसिन टू अवॉइड अवेयरनेस, आपने एडिक्वेट आपने उसको दिया है, मसल रिलैक्सेंट आप अवॉइड कर रहे हैं, ये आप कहेंगे आपको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये 100% पॉसिबल होता है व्हेन यू आर हैविंग वेरी गुड मेडिसिन, लाइक आपके पास रेमिफेंटनिल है, आपके पास डेक्समेथासोन है, जिससे आप मैक स्पेयरिंग इफेक्ट ले रहे हैं और आप मैक भी कम दे रहे हैं, हीमोडायनेमिक इफेक्ट भी कम आ रहे हैं और आपका बहुत अच्छा आप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मेंटेन कर रहे हैं। फिर आप बिस और एंट्रोपी की मॉनिटरिंग है उसके जरिए होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एजेंट एनालाइजर आपको बता दिया इन केस ऑफ इनहेलेशनल एजेंट्स, और अगर आप टीवा दे रहे हैं तो आपको एक तो मेक श्योर कि आईवी लाइंस प्रॉपरली हैं, उसके साथ जब भी आप टीवा के एजेंट दे रहे हैं तो आप उसके साथ एक ड्राइवर फ्लूइड दे रहे हैं जिससे आप मेक श्योर कर रहे हैं कि वो उसको ड्राइव करके अंदर लेके जा रहा है। आप कोशिश करेंगे बहुत लो वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड देने के बजाय, कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन देने के बजाय थोड़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में दें, अगर कोई उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको रिलेटिवली डाइल्यूट करके दें, ताकि आप ऐसे ही ज्यादा वॉल्यूम दे रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि स्टक हो, ठीक है। उसके साथ आपको मैंने ड्राइवर का बता दिया, और साथ आपको उसको बिस या एंट्रोपी के जरिए आप मॉनिटर कर रहे हैं,
ठीक है, मसल रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो लिखी हुई हैं, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई भी नहीं यूज करता, लेकिन बहरहाल वो इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और आइसोलेटेड फोर आर्म टेक्निक है और इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको करनी होती है। ठीक है, तो अवेयरनेस का आपको जो सिनेरियो है वो आपको टॉक्स में भी आ सकता है कि पेशेंट को अवेयरनेस पहले हो गई, या आप कोई ऐसी सर्जरी करवा रहे हैं जिसके अवेयरनेस हो सकती है, दोनों सूरतों में आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, तो अवेयरनेस के बारे में मैंने कुछ बता दिया, ये कुछ हमने कॉम्प्लिकेशंस कर ली हैं, कुछ हमने इंजरीज कर ली हैं, कुछ हमने पोजीशन रिलेटेड कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको फायदा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू आर वेलकम। कल हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे इन द फॉर्म के हम सर्जरी रिलेटेड एनेस्थीसिया कंसर्न्स, इंशाल्लाह 3 बजे। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।